ओगेदर नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए शंकर कांचड़िया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? देन चलो चलो चलो, लेट द गेम बिगिन। चलो, सो यस, दो सेशन हुए अपने, दोनों एकदम बेसिक रखे हैं मैंने अभी तक। जहां पे फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था कि कैसे अपन इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने वाले हैं, ऑप्टिमाइज्ड के बारे में बताया आपको मैंने, कैसे उसको डिवाइड किया है। फिर मैंने आप लोग को बताया इस सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अपन इसको फोर फेजेस में रखते हैं, एंड दैट्स हाउ वी विल स्टडी। नेक्स्ट डे पे मैंने आप लोग को बताया कुछ एग्जाम्पल्स। क्या आप लोगों को वो एग्जाम्पल्स याद है क्या पब्लिक? बोलो बोलो, चल चल एवरीबॉडी, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था और क्या लगता है आपको ये कभी जिंदगी में आप भूलने वाले हो? चलो बोलो, सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कौन सा था? रेस्टोरेंट के साथ मजे की बात, क्या बात है? यस यस यस, एब्सोल्युटली। सो वहां पे अपन लोग ने देखा कि तीन फ्रेंड्स थे, पीके, पीएम एंड आई थिंक शंबुल, राइट? सो ये तीनों फ्रेंड्स में वी रियलाइज दैट सबसे ज्यादा पे किया बेचारे शंबुल ने, जबकि पे आई मीन खाया उसने भी उतना ही, या इनफैक्ट उसने कम खाया जितना उसने पे किया। एंड वी रियलाइज दैट ये तो बेचारे के साथ गलत हो गया, और पीके खा गया 600, 650 का, और पे किया खाली 500 रुपए। ये क्या बात हुई, है कि नहीं, है कि नहीं शंबिल? तो वहां पे अपन को समझने आना चालू हो गया कि यार दया कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप लोग ने वो वाला सेशन नहीं देखा है देन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग मेरा ये वाला सेशन देख लेना, ठीक है? यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे लेक्चर 2 है न्यू बैच का, प्लीज वो देख लेना, ओनली देन यू शुड टेक थिंग्स फॉरवर्ड। यस यस, शंबिल नॉट शंबुल। ओके, सो वी रियलाइज्ड दैट कहीं ना कहीं ओवर कॉस्टिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं अंडर कॉस्टिंग हो रहा है। सेकेंड केस में भी यही हुआ। सेकेंड केस क्या था? बैंक्स का केस था। बैंक्स में भी यही था कि यार बैंक सबको एक जो भी कॉस्ट आ रहा है डिवाइड बाय 3 कर रही है, और जनरल बेसिस पे कॉस्ट को चार्ज कर रही है। सो अगेन वी रियलाइज दैट जो बंदा अमेरिका बैठा है 3 साल से, सिंगापुर बैठा है 3 साल से, जो इंडिया में आया ही नहीं है, उसको भी उतना ही एटीएम चार्जेस पे करना पड़ रहा है जितना बाकी लोग को जो 365 डेज जा रहे हैं उससे भी। सो दैट इज वेयर वी रियलाइज्ड क्या 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 कॉन्सेप्ट निकाला अपन लोग ने, दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ये चीज अगर आप लोग ने समझ ली ना, मैं बता रहा हूं सीए फाइनल क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आपको काम आएगा। और क्या अब आप लोग भी मेरे जैसे आंख कान दिमाग खुला रख रहे हैं? क्योंकि मैंने ये खुला रखा तब जाके वो लिफ्ट वाला एग्जाम्पल बना, कि मैंने देखा कि यार लिफ्ट का एग्जाम्पल, लिफ्ट भाई मैं देख रहा हूं कि सारे 10 फ्लोर्स में जो लिफ्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सेम आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, पांचों के पांचों फ्लोर में लिफ्ट का कॉस्ट सेम वो लोग ने चार्ज किया है। बट अगर मैं आप लोग को बोलू ना, देन इन दैट केस यू विल रियलाइज दैट मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, तो इन दैट केस 10 फ्लोर वाले से ज्यादा लेना चाहिए ना। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट यार कॉस्टिंग यहां भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब आप लोग को पूरी तरह से ध्यान रखना है, कहां पे भी कॉस्टिंग इनकरेक्ट हो रहा है तो आपको अपनी आवाज उठानी है और एक नया रेवोल्यूशन लाना है कॉस्टिंग में, लाएंगे ना? ऑलराइट गाइस, तो वो दिन अपन लोग ने रियलाइज किया दैट कॉस्टिंग का जो बेस फंडामेंटल होता है वो होता है कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। और इसी कॉस्ट का सबसे फर्स्ट पहलू एस्पेक्ट जो अपन लोग समझने जा रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट। क्या बोला? कॉस्ट शीट। अच्छा अब मुझे बताओ एक बात कि सर सोसाइटी से निकलवाएंगे? अरे यार बोलते ना, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, तब जाके दुनिया में बदलाव आएगा, है कि नहीं? पहले आपको लोग पागल कहेंगे, बट फिर वही लोग आके बोलेंगे यार बंदा सही कहता था। जब गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप से देख के बताया दुनिया गोल है, तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, ये आदमी पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। आज हर फिजिक्स के टीचर, हर ज्योग्राफी का टीचर सारी दुनिया को यही बताता है, क्या? दुनिया गोल है। तो बस ऐसा ही है यार अपना भी, शायद आज लिफ्ट के एग्जाम्पल पे अपने को लोग दुनिया बोलेगी ए क्या बोल रहा है चिंदी है पागल है, बट फिर कुछ टाइम बाद उनको भी रियलाइज होगा यार यही तो सही तरीका है कॉस्ट निकालने का।
है कि नहीं? चलो, ऑन दैट नोट कहानी को आगे बढ़ाएंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर फर्स्ट चैप्टर, कॉस्ट शीट. अगर तुम लोग एक चीज नोट करोगे ना, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर एकदम बेसिक्स के ऊपर लिया था. सेकेंड लेक्चर में मैंने तुम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट करवाया एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है. अब तक मैंने कॉस्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की और मैं करूंगा भी नहीं, ठीक है. मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना चाहता हूं. अगर मैं एकदम टेक्निकली जाना चाहूं ना, तो पहले मैं बताऊंगा कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. नो, दैट इज अ टिपिकल वे, वो अपने को नहीं करना है भाई. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी. तो मेरे तरीके से सीखना है, मेरे तरीके से 100 out of 100 लाना है, देन इन दैट केस आई नो व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच. एंड वो अप्रोच को अपन लोग ने फॉलो किया ना, ट्रस्ट मी, आप लोग का जो दिमाग ओपन हो जाएगा ना इस सब्जेक्ट के लिए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है. सो मैं आपको एक केज में बांध के नहीं रखना चाहता हूं. मैं बोलू के कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. यूजुअली दिस इज हाउ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अ कॉस्ट सब्जेक्ट शुड बी. बट बोलते ना, वो जो नॉर्म्स है, वो जो जो दायरे है, उनको तोड़ने के लिए मैं बना हूं. जी हाँ, एंड दैट इज वॉट यू विल सी इन माई लेक्चर्स एज वेल. चलो, सो अब जैसा मैंने बोला कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक चैप्टर. चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट. बट आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगी. जस्ट अ मोमेंट. यस, सो यस, सो कॉस्ट शीट इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बट आप लोगों को अभी मेरा तरीका तो समझ में आ ही गया होगा. क्या आप लोगों को लग रहा है मैं सीधा कॉस्ट शीट से स्टार्ट करूंगा क्या? बोलो के कुछ और करेंगे फिर यहां पे आएंगे, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही जवाब, सीधा तो करना ही नहीं है भाई. अपने को अगर हर एक चीज डिराइव करनी है और कॉन्सेप्चुअली जाना है, देन हो सकता है 5 मिनट ज्यादा लग जाए, बट दिमाग में चीज ऐसी घुसेगी कि कभी नहीं बोलोगे. जैसे अपने ये 3 एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे इंटर के कॉस्टिंग के जो लेक्चर थे, उस लेक्चर के हिसाब से टेल मी द 3 एग्जाम्पल्स, तो क्या आप लोग को याद है, क्या आप लोग मुझे बता पाओगे वो 3 एग्जाम्पल? ऑलवेज प्रॉबेबली, जैसा मैंने बोला, कभी मैं आपके शहर में आया और आपको अचानक से भी नींद से जगा के भी पूछा ना, तो भी आप बोलोगे फर्स्ट एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, दूसरा एग्जाम्पल बैंक, और तीसरा एग्जाम्पल लिफ्ट का था. है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, अब क्या आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ AGM एनुअल जनरल मीटिंग में जाके ये लिफ्ट वाला मुद्दा उठाओगे कि नहीं? सर पहले CA बन जाने दो, फिर हम लोग बोलेंगे तो हमारी लोग सुनेंगे. अभी बोलेंगे तो बोलेंगे देखो होशियारी मार रहा है, अभी जस्ट इंटरमीडिएट चालू हुआ और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. अच्छा ऐसा. चलो, सो स्टार्ट करते हैं अपन लोग. यस, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट शीट. दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट शीट. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट, मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना. आप लोग सब लोग की एज के जितना था मैं तब, तो आप लोग देखो अभी कमा तो नहीं रहे हो, ठीक है. फिलहाल कुछ टाइम बाद जब आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा, तब एटलीस्ट थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट कर दोगे, और फिर तो फुल फ्लेजेड कमा नहीं है. हाँ, अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो कमा रहे होगे, तो अलग बात है. तो आप लोग अपने आप को उस एज में डाल दो, अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो उस एज में डाल दो जहां पे अभी तक आपने कमाना स्टार्ट नहीं किया. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर आपको कुछ पैसे चाहिए, देन इन दैट केस आप क्या करते हो? चलो आप लोग मुझे सोच समझ के बताइए, मैं आपको पूछ रहा हूं. अगर आप लोग से फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप लोग का एज है, यू गाइस वुड बी व्हाट 18, 19, 20 अराउंड इयर्स का एज होगा आप लोग का. सो अगर आप 19, 20 इयर्स के हो और फिलहाल अर्न नहीं कर रहे हो, ऑन द वर्ज ऑफ अर्निंग, बस जैसे ये दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए ना, यस आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे. बट अब तक अगर आपको पैसा चाहिए, देन इन दैट केस व्हाट डू यू डू? सो शौनक राधिका का एकदम करेक्ट आंसर आया, एंड योर आंसर इज दैट सर वी बोरो इट फ्रॉम आर पेरेंट्स. बोरो तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट सर पेरेंट्स पॉकेट मनी दे देते हैं और उसमें अपना काम हो जाता है. अभी तो मम्मी से पापा से जो भी है मांग लेते हैं और उससे काम हो जाता है अपना, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहां पे बात है उस छोटे संकल्प की जब वो 18 साल का था, ठीक है ना. सो अपना यहां पे एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है. जब मैं 18 इयर्स का हुआ, ठीक है, एट दैट पॉइंट इन टाइम अप्रोक्सीमेटली
संकल्प ने अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना चालू किया, ठीक है, पॉकेट मनी लेना चालू किया। अब मैं को भी भाई ऑफ कॉलेज जाना रहता है, वहां से क्लास जाना रहता है, कभी भूख लग गई तो कुछ खा लिया, बुक्स ले लिया, ये वो, इतनी सारे मेरे भी खर्चे हैं, मम्मी पापा क्या बताऊं, तो प्लीज आप लोग मुझे पॉकेट मनी दे दो। अब मैं आप लोग को एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो पॉकेट मनी है यहाँ पे, कितना पॉकेट मनी आपको क्या लगता है मेरे को मिलता होगा महीने का, क्या लगता है बोलो, कितना पॉकेट मनी मिलता होगा एक, क्या तुम लोग बोलो क्या पॉकेट मनी मिलना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। समझो ऐसा करो, आज फर्स्ट जैन है, ऐसा अज्यूम करो, टुडे इज फर्स्ट जैन, ठीक है। देखो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ठीक है, जितने अपन लोग एग्जांपल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करेंगे ना, इंटर कनेक्ट करेंगे ना, उतना इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा और उतना मजा भी आएगा पढ़ने को। ऑलराइट, सो यस, कीप ऑन कम्युनिकेटिंग। चलो 150 रुपया देगा, ये लोग बोल रहे हैं अरे अरे इतना कम, कामाक्षी बोल रही है सर 2000 तो लेना ही लेना, 500 समथिंग कुछ। सो मैं आप लोग सब लोग का एक एवरेज ले लेता हूं, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स मेरे को देते हैं ₹1500 पर मंथ, मेरे पेरेंट्स मुझे देते हैं ₹1500 पर मंथ का, साक्षी भी बोल रही है सर 1000 to 1500, तो चलो वही मैंने एक एवरेज ले लिया। सो आप लोग के जैसा मैंने बोल दिया भाई 1500 पर मंथ इज द सैलरी और व्हाट यू कैन से पॉकेट मनी दैट आई एम टेकिंग, सैलरी वर्ड तो नहीं बोलेंगे, या इज द पॉकेट मनी दैट आई एम टेकिंग, ठीक है, पर मंथ है ये, तो कहना इसे एक महीने बाद वापस से मुझे वो पॉकेट मनी मिलेगी, तो से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जन हो गया, फिर फर्स्ट फेब आएगा, फर्स्ट फेब को वापस से मैं जाऊंगा, बोलूंगा पापा 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 प्लीज मुझे वापस पॉकेट मनी दे दो, वापस से पापा 1500 पर मंथ के हिसाब से पॉकेट मनी दे देंगे। ऑलराइट गाइस, सो ये बात तो समझ में आ जाती है, ये बात तो समझ में आ जाती है। अब आप मेरे को बताओ कि क्या मेरे खर्चे होने वाले हैं, चलो अज्यूम करते हैं अपन लोग, अगर फेब का महीना है, फेब का महीना है, फर्स्ट फेब है ये, फेब का महीना है, आज फर्स्ट फेब है, आप लोग को मुझे बताना है क्या क्या अपने टोटल खर्चे होते हैं 18,000 साल का, वेरी गुड शुभम, बट फिलहाल अपन लोग फेब के महीने का है एंड वी हैव टू टेल दैट कितने अपने टोटल खर्चे हुए हैं। सो मंथली एक्सपेंस ऑफ फेब ये अगर अपने को बताना है तो क्या होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, मंथली एक्सपेंस ऑफ फेब, चलो सोच समझ के बताओ क्या मंथली खर्चे होते होंगे अपने, बहुत खर्चा होता है सर, अच्छा बताओ क्या क्या, हाँ तो सबसे पहले तो आप लोग बोल रहे हो कि सर फर्स्ट फेब को मैंने 100 रुपीज का खर्चा किया, ठीक है। देखो अभी एक बात मुझे बताओ, जब आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तो क्या वो आपको ये भी बोलते हैं क्या साथ में कि प्लीज इसका बड़ा हिसाब किताब रखना, बोलो बोलो चल चल, क्या पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि यार तेरे को पैसा तो दे रहा हूं मैं बट इसका जरा हिसाब किताब रखना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो चलो जनरली बोल दिया कि हिसाब किताब रखना है इसका। अब मैं एवरी डे बेसिस पे इसका हिसाब किताब रखता हूं, मैं एवरी डे बेसिस पे इसका हिसाब किताब रखता हूं, बिकॉज अगर वो मैं डेली बेसिस पे हिसाब किताब नहीं रखूंगा देन इन दैट केस एंड ऑफ द मंथ में इतना खर्चा बढ़ जाएगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब क्या खर्चा किया था, और मम्मी पापा ने अगर पूछा देन इन दैट केस मैं क्या जवाब दूंगा उनको। मेरे साथ जनवरी में यही हुआ, जनवरी में 1500 का पॉकेट मनी मिला, ठीक है, जैसे मेरे को जनवरी में 1500 का पॉकेट मनी मिला मैंने बोला कि चलो ठीक है अभी अच्छा खासा पॉकेट मनी मिल गया चलो खर्चा करते हैं, तो मैं रोज खाने पे यू नो खर्चा करने लगा, ट्रैवलिंग करता था, मस्त रिक्शा में जाता था भाई, हमारे यहाँ पे बॉम्बे में रिक्शा पे जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत महंगे होते हैं ये, हाँ, और फिर बाद में कभी कपड़े खरीद लिए, और जनवरी एंड में जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा बेटा तेरा खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है, मेरे पास तो जवाब ही नहीं था, मैंने बोला कि अरे फर्स्ट जैन को मेरा खर्चा कहाँ पे हुआ था, अरे अभी तो 31 जैन आ गया मैं तो भूल गया, और उन्होंने देखा कि मेरे पास टोटल 150 रुपीज बचे हैं, तो उन्होंने बोला भाई 1500 रुपए 1500 दिए थे 150 बचे हैं, इट मींस 1350 का तेरा खर्चा हुआ है, कहाँ खर्चा हुआ है वो तो बता, मैंने बोला मम्मी मामा मुझे याद नहीं है,
तो मम्मी पापा ने बोला देख बेटा खर्चा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट उसका हिसाब किताब तो रख बेटा कि कहां पे क्या खर्चा हो रहा है। मैं बोला चल बात एकदम सही है, और अब मैंने ये 1 फेब से मेरा हिसाब लिखना चालू किया। ठीक है, 1 फेब को मेरा 100 रुपए का खर्चा हुआ। बोलो कहां पे हुआ रहेगा मेरा 100 रुपए का खर्चा? एनी आइडिया एनीबॉडी? अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का खर्चा हुआ। तो भाई नया नया मेरे को पॉकेट मनी मिला था, तो पहले मेरा थोड़ा खर्चा हुआ ट्रैवलिंग में, फिर बाद में थोड़ा खर्चा हुआ ईटिंग में, फिर मेरा थोड़ा खर्चा हुआ और किसी चीज में, तो मिसलेनियस लिख देता हूँ यार, चलो ठीक है। फिर ऐसे ही मेरा 2 फेब को खर्चा हुआ, से 2 फेब को मेरा खर्चा हुआ 200 रुपीज का। अरे हुआ यार, तुम लोग थोड़ी मेरे मम्मी पापा के, तुम लोग को बताऊंगा मैं। फिर ऐसे होते गया, 3 फेब को हमारे क्लासेस में और कॉलेज में और सब जगह छुट्टी थी, तो कुछ मेरा ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। फिर बाद में 4 फेब को मेरा वापस अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज का खर्चा हुआ। ऐसे करते 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 मैं पहुंच गया कहां पे, कौन से डेट पे, कौन से डेट पे, 5 फेब को भी मेरा से 100 रुपए का खर्चा हुआ। करते करते मैं पहुंच गया 14 फेब को, इस दिन मेरा सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। हाँ गौरव श्रेया बड़े ही नटखट हैं ये बच्चे, बोल रहे सर मोमोज पे खर्चा किया आपने 14 फेब को। अरे बाबा 14 फेब को मेरा दिल से बोलता हूँ 500 रुपए का खर्चा हुआ है, पर पता है किस चीज में? बुक्स खरीदने में। तुमको क्या लगा नॉटी बच्चो वैलेंटाइन डे ये क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैं तो बुक्स खरीद के लाया हूँ। सच्ची मम्मी पापा सच्ची? हाँ तो और नहीं तो क्या सर, खुफिया समझे हो क्या हमको, खुफिया समझे हो? 14 फेब को बुक्स लेकर आए हो आप? अच्छा क्या था वो बुक्स में? रोजेस और बहुत सारी चॉकलेट्स और मूवी के 2 टिकट? सर हमारे को सब पता है सर, हम भले ही नादान दिखते हैं नहीं। बड़े स्मार्ट हो तुम तो अर्नव जी। चलो सो ऐसे करते 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 28 फेब तक मेरा टोटल खर्चा हो गया अप्रोक्सीमेटली 1600। आप बोलोगे सर 1500 रुपए तो थे आपके पास पॉकेट मनी पे, पहले के 150 बचे थे ना वो भी खर्चा हो गए। यार ये फरवरी का महीना है ना, बहुत खर्चा हो जाता है यार, ये फरवरी का महीना बहुत ज्यादा मेरा खर्चा हो जाता है यार, तुम लोग समझ सकते हो ना, समझ सकते हो ना। अब अगेन एज यूजुअल जैसे ही मेरा फरवरी खत्म हुआ, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बुलाया, और मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बुला के बोला कि बेटा ओ बेटा क्या हुआ भाई तेरा खर्चे का टोटल बता। तो मैंने उनको ऐसे बताना चालू किया, देखो मम्मी मेरा 1 फेब को 100 रुपए का खर्चा हुआ, थोड़ा मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, थोड़ा ईटिंग का खर्चा, थोड़ा मिसलेनियस चीज में खर्चा हुआ, फिर 2 फेब, फिर 3 फेब, फिर 4 फेब। सो ऐसे करके करते मैं उनको खर्चा बता दे गया। तो उन्होंने बोला कि यार बेटा ये तो तू बहुत कंफ्यूज हो रहा है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तू बोलना चाह रहा है। तो कहना है इससे, वो बेसिकली मुझे कहना चाह रहे हैं कि बेटा तेरा जो भी खर्चा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड तो कर। तूने रिकॉर्ड करना चालू किया अच्छी बात है, बट वो लोग मेरे को कहना चाह रहे हैं क्यों ना इसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाए, क्या बोलते हो आप लोग भी मेरे साथ सहमत हो क्या? हाँ सर बात तो सही है। फिर मैंने क्या है ना 2-3 दिन बाद है ना ऐसे खाली अमाउंट लिखना चालू कर दिया, 4 फेब को 100 रुपीज, 5 फेब को 100, 14 फेब को 500 रुपीज, 28 फेब को से 100 रुपीज, ऐसे करके मैंने खाली अमाउंट लिखना चालू कर दिया। वापस से पापा ने पूछा अच्छा तू बता मुझे 5 फेब को तूने 100 रुपए का खर्चा कहाँ पे किया था? मैं बोला पापा याद नहीं आ रहा कहाँ पे किया था। तो बेटा बराबर क्लासीफाई तो कर कि कहाँ पे खर्चा हुआ है। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बेसिक सी चीज समझाई, एक बेसिक सी चीज समझाई कि बेटा जो तेरे को पॉकेट मनी मिल रहा है, जो तेरे को पॉकेट मनी मिल रहा है, उस पॉकेट मनी का तू कहां पे खर्चा कर रहा है उसका प्लीज हिसाब रख। ये मुझे मेरे को समझाई उन्होंने 31 जैन को। तो मैंने हिसाब रखना चालू किया, तो मैंने हिसाब रखना चालू किया। क्या ये हिसाब से वो लोग खुश थे क्या कि 5 फेब को 100 रुपया हो गया, 28 फेब को 100, 14 फेब को 500, से 4 फेब को 100, 2 फेब को 200? बस इतना मैंने लिखना चालू किया और इतना लिख के छोड़ दिया, क्या वो लोग खुश थे क्या इससे? द आंसर इज नो। तो उनको यहाँ पे 2 चीज की कमी लगी, क्या चीज की कमी लगी उनको? हाँ उन्होंने बोला कि बेटा 2 चीज की कमी है यहाँ पे, एक ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं किया है।
तो प्लीज उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर। तो चलो भाई, मैंने एक एक दिन पे एक एक रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। पहले दिन पे जब 31 जैन हुआ ना, तो उन्होंने बोला कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ही नहीं रखा है तूने कुछ, तो मैंने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। दूसरे बात उन्होंने क्या बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर शुभम साहू, उन्होंने बोला कि कम से कम बेटा इसका क्लासिफिकेशन तो दे देता, कौन सा खर्चा किस चीज के लिए हुआ है। मैं बोला अच्छा एफा, तो उन्होंने बोला हाँ। तो पहले मंथ में उन्होंने मुझे चीज सिखाई कि बेटा सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करिए अपने जो भी खर्चे हैं उनको। उन्होंने बोला कि यार कम से कम कितना हर दिन पे तेरा खर्चा हो रहा है उसका अमाउंट तो तुझे पता होना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ पापा पता है ना, 28 फेब को 100 रुपया हुआ है, 5th फेब को 100 रुपया हुआ है, 14th फेब को 500 हुआ है, मुझे पता है। बट कहाँ पे खर्चा हुआ है पापा वो नहीं पता मुझे। तो क्यों ना इसके साथ तू थोड़ा इसको क्लासिफाई भी कर दे, क्यों ना इसको क्लासिफाई भी कर दे। तो मैंने बोला मैं क्लासिफाई करना चालू कर देता हूँ। तो फर्स्ट फर्स्ट मार्च आया, फर्स्ट मार्च को मैंने ऐसे लिखा कि 1 मार्च ₹150 का खर्चा, और मैं इसको ऐसे क्लासिफाई करने लगा। कैसे क्लासिफाई करने लगा मैं इसको, पापा ₹30 ईटिंग में गया, से से ₹80 सर ट्रैवलिंग में गया पापा, और से सर 40 रुपीज मेरा कुछ से बुक्स में गया, ऐसे करके मैं उसको क्लासिफाई करने लगा। पापा ने बोला नहीं ये भी तरीका सही नहीं है। मैंने बोला पापा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो देखो स्टेट में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी बना रहा हूं मैं, मतलब कितना अमाउंट खर्चा हो रहा है एक दिन पे, उसको क्लासिफाई भी कर रहा हूं। पापा ने बोला कि बस और एक चीज कर दे, इसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी डाल दे, तब जाके लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास पूरी चीजें क्लैरिटी के साथ अवेलेबल है। तो उन्होंने मुझे तीसरी चीज क्या बोली, जैसे ही उन्होंने ये वाला देखा तो उन्होंने बोला ठीक है सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना चालू कर दिया है, तूने चीजों को क्लासिफाई करना भी चालू कर दिया है, बट बेटा एक चीज तू नहीं कर रहा है वो चीज भी चालू कर दे, इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रोड्यूस करना चालू कर दे। कहना इससे पापा और मम्मी की ये बात दिल में घर कर गई। इन शॉर्ट दे टोल्ड व्हाट दे टोल्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दे सेड जब भी कोई खर्चा कर रहा है तो एक उसका सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो, दूसरा उसको क्लासिफाई कर दो क्या खर्चा है, और तीसरा उसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में डाल दिया करो। अगर आप ये तीनों चीजें कर देते हो तो कहना इससे जो आपके खर्चे हैं उनका एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा मम्मी पापा को। तो मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्च का जो महीना था उसमें मैंने ये चीज करना चालू कर दिया, और मैंने देखो कैसे सिस्टमैटिकली एक ये बनाया है। आप लोग मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको मेरा ये फॉर्मेट, क्या आप लोगों को लग रहा है अब मैं सही जा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे चालू कर दिया लिखना क्या 1 मार्च, फिर बाद में दूसरी चीज मैंने लिखना चालू कर दिया, क्या कर दिया कि भाई चलो ट्रैवलिंग का कितना हो रहा है, ईटिंग का कितना हो रहा है, ठीक है बुक्स का कितना हो रहा है एटसेट्रा, और कुछ भी हो तो आ जाएगा। और फिर यहां पे मैंने लिखना चालू कर दिया टोटल। अच्छा 1 मार्च को ट्रैवलिंग का हुआ ₹30, ईटिंग का हुआ ₹80, और बुक्स का हुआ ₹40, टोटल हुआ ₹150। कैन आई से अब जब मैं ये देकर मम्मी पापा को ये लेके मम्मी पापा के पास जाता हूं, देन इन दैट केस क्या मम्मी पापा कोई मेरे लिए नुक्स निकाल सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, एंड दे विल से ये हुई ना बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैन आई से इन शॉर्ट बेसिकली उनको चाहिए था कि मैं चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करूं, मैं चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर दूं बेसिकली अमाउंट के साथ, दूसरा उनको चाहिए था कि मैं चीजों को क्लासिफाई कर दूं एंड उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं। आप लोग ने अगर पेटी कैश स्टेटमेंट देखा होगा तो कुछ ऐसा ही बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? राइट 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 यस यस इट्स ओके। पेटी कैश स्टेटमेंट जैसा है तो क्या होगा? सो बस एग्जैक्टली उनका यही मानना था। 18 साल की उम्र में तब मुझे इतना नहीं पता था पेटी कैश स्टेटमेंट क्या होता है,
बट उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की थी कि बेटा कोई भी चीज को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो और एक स्टेटमेंट फॉर्म में डालो। एंड कॉस्टिंग का पहला फंडामेंटल भी यही कहता है कि आप लाइफ में अगर कोई भी खर्चा करना चाहते हो, कोई भी खर्चा करना चाहते हो, देन इन दैट केस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ये जो पेटी कैश है ये पर्सनल वाला बन गया, बट यही चीज को अगर मैं बिजनेस पे लेके जाऊं, जैसे मैंने रेस्टोरेंट से मैं आप लोगों को लेके गया था बैंक के एग्जाम्पल पे, वैसे ही यहाँ पे मेरे पर्सनल पर्सनल पॉकेट मनी से अब मैं लेके जा रहा हूं आपको एक बिजनेस के पास। मेरे को तब पता चला कि पापा ने बोला कि भाई देख, आज के बाद कोई भी खर्चा हो तो उस खर्चे को अगर आपको रिकॉर्ड करना है, उस खर्चे को आपको अगर रिकॉर्ड करना है तो तीन चीजों का ध्यान में रख के रिकॉर्ड करना है। ए बोलो बोलो चहल चहल, क्या तीन चीजों को ध्यान में रख के रिकॉर्ड करना है? भाई खर्चा तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो खर्चे को आपको रिकॉर्ड करना है तो तीन चीजों को ध्यान में रख के आपको रिकॉर्ड करना है। बोलो बोलो चहल चहल, क्या है वो तीन चीजें? हाँ, ऑलवेज। सो आज के बाद जब भी अपन लोग कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो वो कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। चलो, तो अगर मेरे को बेसिकली कॉस्ट को प्लान आउट करना है, आज के बाद मुझे कॉस्ट दिखता है तो मैं ये तीन चीज हमेशा ध्यान में रखूंगा। क्या? कि उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है, मतलब बेसिकली कितना अमाउंट है वो पता होना चाहिए, किस कितना खर्चा हुआ है। दूसरा, आई हैव टू इंश्योर कि मैं उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करूं, बराबर है, विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, इफ आई एम राइट हियर। सो विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, प्लस तीसरा, एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर स्टेटमेंट में मैं उसको पुटअप करूं ताकि जो यूजर है उसको समझ जाए, हाँ भाई ये इसने क्या बताया है। तो यहां पे पता चल गया, 1 मार्च को ट्रैवलिंग के लिए इतना खर्चा हुआ, ईटिंग का इतना खर्चा हुआ, बुक्स का इतना खर्चा हुआ, टोटल 1 मार्च को कितना खर्चा हुआ, ऑल ऑफ दैट। बस अब इसमें ओपनिंग बैलेंस भी अपन लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देंगे, तो एक एक चीज मम्मी पापा को पता चल जाएगी। खाली ये स्टेटमेंट देखकर उनको समझ में आ जाएगा कि भाई टोटल मेरा 1 महीने का क्या सिस्टम हुआ है। प्लस कैन आई से, तो इसको मैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में डालूंगा, और ऐसा स्टेटमेंट फॉर्मेट में विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। सो प्लस स्टेट फॉर्म विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। जगह 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 एक सेकेंड ना, विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, कलर चेंज कर देते हैं अपन, विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। एंड साथ में और एक चीज ध्यान में रखनी है अपने को, क्या क्या क्या? बोलो बोलो चल चल। करेक्ट, इट शुड बी इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट। करेक्ट, सो इधर मैं लिख दूं, इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, एक प्रॉपर स्टेटमेंट पे। जब एक जगह जब जमा हो तीनों, क्या क्या? सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड एक इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, देन इन दैट केस बेसिकली जब कॉस्ट को मैं इन तीनों तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट बेसिकली रिजेंबल्स समथिंग कॉल्ड एज अ कॉस्ट शीट। जी हाँ, तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक स्टेटमेंट जिसमें क्लासिफिकेशन होगा किसका? कॉस्ट का, विद इट्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड अमाउंट। एंड उस चिड़िया का नाम है कॉस्ट शीट। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो जब खर्चे को, क्या मैं बोला, क्या मैं बोला, क्या बोला, जब खर्चे को, कॉस्ट मतलब खर्चा, और अपन लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग, तो जब ये कॉस्ट को
सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, उसको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाते हो, उसी को तो कहते हैं, उसी को तो कहते हैं ए समझ गुड एवरीबॉडी। सो देखो 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 सो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन लोग? कॉशिट। कॉशिट क्यों बनाते हैं? कॉशिट, वेट वेट मैं बताऊंगा कब क्या लिखना है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। कॉशिट क्यों बनाते हैं? ताकि मेरे बिजनेस में जो भी खर्चे हैं वो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड हो जाए, अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई हो जाए और एक स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, समझे? इसलिए बनाते हैं कॉस्ट शीट। भाई हर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले क्यों ना अपन लोग एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग ले ले कि क्यों ये चैप्टर कर रहे हैं, क्या बोलते हो पब्लिक? बिकॉज देखो इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो तुम लोग, अब ये लेवल पे कोई भी चीज को बस खाली सुन के मत ले लेना, हर एक चीज को है ना समझ के लेने की आदत डाल लो अभी से, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। फाउंडेशन लेवल तक ये चलता है कि ठीक है टीचर ने बोला 1 + 2 = 3, आपने मान लिया, बट इंटरमीडिएट पे और फाइनल लेवल पे डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय यू। हर एक चीज को आपको क्वेश्चन करना है, हर एक चीज पे आपको समझना जरूरी है दैट आप जो भी पढ़ रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों पढ़ रहे हो। तो आज अगर आप कॉस्टशीट पढ़ रहे हो तो कॉस्टशीट पढ़ने के पीछे उसका एक लॉजिक है कि भाई देखो जब कॉस्टशीट प्रॉपरली अपन नहीं बना रहे थे, जब अपन अपने खुद के 100-200 रुपए के खर्चे के लिए भी अपन लोग प्रॉपरली चीजें नहीं बना पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा की तरफ से ये क्वेश्चन आया कि भाई सिस्टमैटिकली चीजों को तो कर। बट जैसे ही मैंने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना चालू किया, उसको क्लासिफाई करना चालू किया, आई थिंक थिंग्स वर एट अ वेरी वेरी गुड एंड। एम आई राइट एवरीबॉडी? बस इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी बिजनेस हो अगर अगर वो इसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं करेगा एंड उसको एक फॉर्मेट में इजीली अंडरस्टैंडेबल क्लासिफाइड फॉर्मेट में नहीं बनाएगा, तब तक उसको अपन यूज नहीं कर पाएंगे एंड अपने को एज अ बिजनेसमैन पता ही नहीं चलेगा मेरा कौन सा खर्चा कहां पे हो रहा है। अब देखो अब अपने लेवल पे देखो, अब मैं जब ये रेगुलर बेसिस पे बनाता जाऊंगा, से फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा सेकेंड मार्च को मैं देख रहा हूं कि मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया 50, मेरा ईटिंग का खर्चा हो गया 100, मेरा बुक्स का खर्चा हो गया 0, तो मैंने इधर देखा मेरा वापस 150 का खर्चा हुआ। ऐसे मैं देखते जाऊंगा तो कहना इसे मंथ एंड पे मुझे पता चलेगा ओ माई गॉड मेरा ट्रैवलिंग का तो खर्चा कितना ज्यादा हो गया है, मेरा ईटिंग का खर्चा तो इतना हो गया है, क्यों ना अब इसको मैं कॉस्ट को मैनेज करूं प्रॉपरली। बट ये सब चीजें मैं डिस्कस कर पाऊं कि कौन से कॉस्ट को मैनेज करना है, कौन सा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, उसके लिए पहले एंड दैट इज द रीजन अपन लोग बनाते हैं ये। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? बोलो बोलो टेल टेल। सर एक्सपेंस और कॉस्ट एक ही बात है एज ऑफ नाउ? यस, मेरे लिए वो एक ही बात है। खर्चा मेरे लिए एक्सपेंस भी खर्चा है, मेरे लिए कॉस्ट भी खर्चा है, मेरे लिए वो एक ही बात है। नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर। जितना अपन ज्यादा अननेसेसरीली बाइफरकेट करते हैं ना चीजों को, उतना अपन ही उसमें कंफ्यूज में होता है। कॉस्ट एक्सपेंस मेरे जेब से जाने वाला आउटफ्लो है, वो मेरा खर्चा है, सिंपल। समझे क्या? इससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट पता लगे तो, वो तो बहुत बाहर की बात है, बट पहले इसलिए रिकॉर्ड तो करूं मैं, क्लासिफाई तो करूं, पता तो चले कौन सी चीज में कहां पे किस चीज में कितना क्या खर्चा हो रहा है, फिर देखेंगे उसको क्या करना है। गॉट इट गाइस? यस। सो कॉस्ट शीट बनाने से बेकार के खर्चे जो भी बिजनेस के है, इंपॉर्टेंट वो भी है, वो हम पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें पता चल सकती है कॉस्ट शीट से। चलो क्लियर है सर, समझ में आ गया कि कॉस्ट शीट क्यों बनानी है, ठीक है। एंड हियर इज वेयर यू विल स्टार्ट राइटिंग। तो तुम लोग ने कुछ लिखना चालू किया है क्या? चलो तो मेरे हिसाब से देखो, अभी मैं तुम लोग को एक आइडिया देता हूं, जो मेरे एग्जाम्पल्स है ना वो तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो चलोगे, या फ्लो में जब थोड़ा बहुत खुद से लिखना है लिखते जाओ चलेगा, मुझे जवाब देते जाओ याद रह जाएगा। बट ये सारी जो चीजें है ना वो मैं तुम लोग को लिखवा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। ये वाली जो सारी चीजें वो मैं तुम लोग को लिखवा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। बाकी ये जो मेरे नोट्स है वो तुम लोग के पास ही रहने वाले, वो मैं कहीं नहीं लेके जाने वाला हूं।
तो वो सारे के सारे नोट्स आपके पास ही रहने वाले हैं, और अगर वो सारे नोट्स आपके पास ही रहने वाले हैं देन इन दैट केस आपको कभी भी रेफर करना है आप कर सके हो, ठीक है? चलो अभी एज ऑफ नाउ यू कैन राइट दिस, कम ऑन एवरीबॉडी राइट। Please write it up. चलो डन ओके। सो चलो लेट्स स्टार्ट। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? कॉस्ट शीट। एक सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट शीट का मतलब क्या है अगर मेरे को एक हिंदी में लिखना हो तो? इट इज नथिंग बट जो भी मेरा खर्चा है, खर्चा समझते हो, एक्सपेंस कॉस्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करके एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना, दैट बेसिकली इज द रोल ऑफ कॉस्ट शीट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ओके सर, ताकि उसे देख के समझा जा सके खर्चा कहां कितना हो रहा है और कहां पे मैनेज करना है। वेरी गुड। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि भाई मेरे प्रोडक्ट का मुझे प्रॉपरली कॉस्ट भी पता चल सके। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट शीट बनाने के लिए, एक टू कैलक्यूलेट प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एंड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। एंड दूसरा टू मैनेज कॉस्ट्स, प्लीज। अच्छा लिख लो, ये भी लिख लो। अब हर एक प्रोडक्ट का अपन पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे कौन सा कहां कहां पे खर्चा हुआ है, एंड एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे। Done, guys?
यस डन सर, डन, समझ में आ गया। चलो नाउ अब देखो, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई इसको चीजों को अपने को अमाउंट के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है, एंड एट द सेम टाइम क्या करना है, क्लासिफाई करना है। एंड एट द सेम टाइम क्या करना है अपने को, क्लासिफाई करना है। सो अब ये क्लासिफिकेशन अपने जब पॉकेट मनी के खर्चे थे वो टाइम पे, तो अपन लोग ने क्लासिफिकेशन खुद से कर लिया है कि नहीं, कि मुझे पता है कि मेरे को पॉकेट मनी मिला है तो मेरा क्लासिफिकेशन मतलब मेरा खर्चा किस चीज में होगा, ट्रैवलिंग में होगा, ईटिंग में होगा, बुक्स में होगा, गिफ्ट्स में होगा, मूवीज में होगा, तो वो मुझे पता है, तो मैंने उस हिसाब से मेरे कॉस्ट शीट को क्लासिफाई किया हुआ है। बट बिजनेस के लिए क्या क्या खर्चे होंगे वो तो बिजनेस के एंगल से क्लासिफाई करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, समझो 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 समझो। अभी से फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूं, कोई भी चीज का बिजनेस चालू कर रहा हूं, अगर मैं से फॉर एग्जाम्पल मैं ये कैलकुलेटर का बिजनेस चालू कर रहा हूं, तो अब इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मेरे क्या क्या खर्चे लगेंगे, उस हिसाब से मेरे को मेरे कॉस्ट शीट को क्लासिफाई करना पड़ेगा भाई, बराबर है कि नहीं। तो क्या खर्चा लगेगा, क्या ना, इसे कैलकुलेटर बनाने के लिए पहले ये प्लास्टिक बनाना मंगवाना पड़ेगा, प्लास्टिक के ऊपर लेबरर काम करेगा है कि नहीं, लेबरर जब काम करेगा तब जाके इसका फिनिश गुड्स बनेगा, फिर बाद में इसको पैकेजिंग करना पड़ेगा, फिर इसका थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर इसको मार्केट में बेचेंगे। तो ऐसे ही बिजनेस के लिए क्लासिफिकेशन अलग वे में होगा है कि नहीं, इन द सेम वे जो मेरा कॉस्ट शीट है वो भी अपने आप को क्लासिफाई करेगा इनटू वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट। बट वो क्लासिफिकेशन करे उसके पहले उन्होंने बोला कि आज के बाद कॉस्ट को दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो अपन कर रहे हैं कॉस्ट शीट, शीट का मतलब होता है एक फॉर्मेट, शीट का मतलब होता है एक फॉर्मेट, एक स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो चलो मैं आपको बता दूंगा, बट उसके पहले ये कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे करना है वो मुझे पता होना चाहिए। एंड ये क्लासिफिकेशन के लिए आज के बाद उन्होंने बोला कि कॉस्ट को दो ही तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो वो होगा डायरेक्ट कॉस्ट या तो वो होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, बस दो ही और कुछ नहीं, दो ही तरह का क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर फिर इंटरनल क्लासिफिकेशन होगा, टेंशन मत लो। बट मेजरली उन्होंने बोला कॉस्ट को दो ही तरह में, दो ही पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आइदर इट विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट और इट विल बी अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब आपका इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा कि सर ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं, एकदम सिंपल है इसका क्लासिफिकेशन बॉस, एकदम सिंपल है इसका क्लासिफिकेशन। अगर कोई कॉस्ट वो प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। से फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैलकुलेटर को बनाने में प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो कहना इसे एक कैलकुलेटर बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक लग रहा है, तो 10 कैलकुलेटर बनाने के लिए 10 किलो प्लास्टिक लगेगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट के जैसा है। यानी जितना प्रोडक्शन उतना वो खर्चा बढ़ते जा रहा है, वो बेसिकली है आपका डायरेक्ट कॉस्ट। एंड यही अगर मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल ले लो मेरे कोई सैलरीड स्टाफ का, ठीक है, मेरे ऑफिस में मैं एक रेंट, चलो एक रेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे लिया है, उस फैक्ट्री के अंदर मैं 10 यूनिट बनाऊं कि 1 लाख यूनिट बनाऊं, मेरा फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है 50,000 रुपीज, उतना ही मैं रेंट उसको देने वाला हूं, भले ही मैं उसमें 10 यूनिट बनाऊं या 10,000 यूनिट बनाऊं, क्या मेरा वो रेंट चेंज होने वाला है क्या? द आंसर इज नो भाई, एक पर्टिकुलर एरिया है उसका इतना रेंट है, उतना रेंट दो, फिर उसके अंदर 10 यूनिट बनाओ, 1 लाख यूनिट बनाओ, 10 लाख यूनिट बनाओ, या कुछ भी मत बनाओ, कोई लेना देना नहीं है किसी को। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एंड दिस वॉज द फर्स्ट बाइफरकेशन दैट वॉज डन फॉर द टर्म कॉस्ट, फॉर द टर्म
कॉस्ट। तो कॉस्ट खाली दो तरह के होते हैं भैया, कौन से? या तो वो होगा, या तो वो होगा ए समझिगड़ू। चलो सो 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 इसको अगर मेरे को डिवाइड करना है कॉस्ट, ए भाई एवरीबॉडी हैज टू आंसर नाउ। कॉस्ट दो तरह के होते हैं, कॉस्ट खाली दो तरह के होते हैं, कौन से कौन से? बोलो बोलो, टेल टेल। एक होता है कॉस्ट, खाली दो तरह के होते हैं, कौन से दो तरह है वो? करेक्ट, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझे? बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? बोलो बोलो, टेल टेल। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? अब मैं बताऊं भाई, अगर मैंने एक यूनिट बनाने के लिए, तो यहां पे अपन लोग एग्जांपल लिख लेते हैं भाई डायरेक्ट कॉस्ट का, डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल लिख लेते हैं भाई। एक कैलकुलेटर बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक, 1 किलो प्लास्टिक, तो फिर अगर मेरे को 5 कैलकुलेटर बनाने हैं तो कितना किलो प्लास्टिक? बोलो बोलो, चल चल। कैन आई से 5 kg प्लास्टिक? मतलब जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मेरा प्लास्टिक का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। अभी क्लियर एवरीवन? गाइस समझ में आया? उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मैंने क्या एग्जांपल दिया? फैक्ट्री का रेंट। क्या फैक्ट्री का रेंट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है क्या? फैक्ट्री रेंट, क्या फैक्ट्री का रेंट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है क्या? द आंसर इज नो। सो कैन आई से दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन? बट अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करता हूं तो टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा कॉस्ट। राइट। चलो आ जाओ। तो यहां पे अगर मेरे को डायरेक्ट कॉस्ट लिखना है तो कैन आई से लिख सकता हूं मैं यहां पे कॉस्ट विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, ऑन प्रोडक्शन दैट इज कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल डायरेक्ट मटीरियल। कैन आई से मेरा ये जो मटीरियल था, जितना जितना मैं प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा हूं उतना मटीरियल भी बढ़ते जा रहा है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन चलो आप लोग खुद बताओ क्या होगा, क्या आप खुद से सोच के बता सकते हो? बोलो बोलो, चल चल। यस, कॉस्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, दैट इज आई मतलब दैट इज डज नॉट चेंज
विद चेंज इन आउटपुट। और इसका एग्जाम्पल है आपका फैक्ट्री रेंट। गॉट इट गाइस, समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट गाइस? प्लीज प्लीज कंफर्म। गौरव उसका भी क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, तो वील कम टू दैट गौरव वेरी सुन। चलो लिख लो, क्लियर हो गया तो लिख लो फटाफट। चलो कम ऑन गाइस। चलो डन। चल इधर तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? सब कुछ समझ में आ रहा है? देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोग के साथ एक एक्चुअल बिजनेस सिनारियो शेयर करने वाला हूं। एक एक्चुअल बिजनेस अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ ठीक है। मेरे इस बिजनेस का नाम है, चलो बोलो काय का बिजनेस करेंगे अपन लोग? आज की तारीख में कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा चलने ही वाला है? हर बिजनेस, हर 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 इंसान को उसकी रिक्वायरमेंट है। बोलो बोलो चल चल। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो चलने ही वाला है, मतलब चलने क्या दौड़ने ही वाला है और हर इंसान को उसकी रिक्वायरमेंट है? करेक्ट, मोबाइल फोन। आओ लेट्स सी कि एक मोबाइल फोन के कॉस्ट का क्लासिफिकेशन में क्या क्या होगा। उसके पहले चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मोबाइल फोन के लिए क्या क्या खर्चे होंगे। अरे तुम लोग ने लिखा है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। भाई इंडिया इतना आगे नहीं पहुंचा है अभी तक कि ईवी के लिए अपन लोग रेडी है, और 5 साल है अपने को, वी आर नॉट रेडी टू फॉर ईवी। गौरव ने लिखा है क्लोथ्स। हाँ मतलब वो तो बचपन से ही वो तो है, वो आज की तारीख में उसके बिना नहीं रह सकते। एंड दैट इज गोइंग टू बी मोबाइल। एंड मेरे इस कंपनी का नाम है मैजिक मोबाइल। आप लोग को बताना है कि मेरे मैजिक मोबाइल के बिजनेस के लिए मेरा क्या क्या खर्चा हो रहा है। मेरे मैजिक मोबाइल के बिजनेस के लिए मेरा क्या क्या खर्चा हो रहा है, ये अब आप लोग को बताना है। कम ऑन एवरीबॉडी, सोचो। जैसे आपकी मैजिक बुक है बस वैसा ही अपना हर ब्रांड मैजिक नाम पे होगा, मैजिक मोबाइल। चल अब बोलते जाओ, एक मोबाइल के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। अगर मैं से फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं मोबाइल फोन, ये दिख रहा है आपको, तो ये मोबाइल फोन बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरत लगती है, एंड टू एंड
वो सब चीजें जो आपको लग रहा है खर्चा है वो सारा बता दो। चलो प्रशांत लिख रहा है बैटरी, ओके, तो यस बैटरी के बिना तो मोबाइल चल ही नहीं सकती, वेरी गुड। स्क्रीन, ओके स्क्रीन, देखो जब जो तुम लोग बोलोगे सब मैं लिख रहा हूं यहां पे। कैमरा, आशु अग्रवाल, ओके तो आई विल राइट हियर कैमरा, वेरी गुड। नेक्स्ट जो तुम लोग बोलोगे वो मैं लिखते जाऊंगा। प्रोसेसर, स्वप्निल ने लिखा है प्रोसेसर या जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड, उसी के अंदर रैम रोम सब आ गया, तो गौरव ने रैम रोम लिखा है तो प्रोसेसर में सब आ गया, तो इधर मैं लिख देता हूं प्रोसेसर मदरबोर्ड, आईसी भी बोलते हैं इसको। चलो और क्या खर्चा लगता है एक मोबाइल बनाने में? बॉडी, ठीक है बॉडी, ओके और क्या, और क्या? हाँ अब आगे भी तो सोचो, खाली मोबाइल का सोच रहे हो। बनेगा कहां पे ये मोबाइल, आपके और मेरे घर पे बनाएगा क्या? सैमसंग वाला वो मोबाइल फोन कहां बनाएगा? हाँ वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। फैक्ट्री, ओके वेरी गुड, तो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को रेंट देना पड़ेगा। फिर वर्कर्स, तो बेसिकली एम्प्लॉय लेबरर, एम्प्लॉयज होंगे कुछ, कुछ लेबरर्स होंगे, ठीक है। और बस ऐसे ही मोबाइल बन तो गया, फिर बनने बिकेगा कैसे? ऐसे ही बिक जाएगा सर? आ रहे सर, बता रहे आपको, सब बता रहे सर, ओके ओके बताओ बताओ। बोलो एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड मोहम्मद। मार्केटिंग दिव्या, वेरी गुड, शाबाश, लिखते जाओ लिखते जाओ। सो मार्केटिंग, क्या बात है, एक सेकंड अभी सभी लोग देख, ओ प्रशस्त है इसका नाम, प्रशांत नहीं, सॉरी सॉरी। पैकेजिंग, ओके वेरी गुड, ब्रांडिंग, वेरी गुड यार, क्या बात है, तुम लोग तो एकदम मस्त हाई फाई वर्ड लिख रहे हो। चलो तो एडवर्टीजमेंट लिख दूं मैं? यस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड खर्चा होगा, बस फोन बन गया। और कुछ स्पेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर्स लगेगा, चलो ठीक है, और कोई सॉफ्टवेयर्स लग सकता है सर? आज तो पूरा मोबाइल बना के ही छोड़ोगे तुम लोग। चलो मार्केटिंग, ओके ठीक है, स्टोर करने के लिए एक वेयरहाउस, लेबलिंग, ओके बस आई थिंक बहुत हो गए खर्चे अपने सर। इंटरनेट लगाना पड़ेगा आपको आपके ऑफिस में, अच्छा देखो अब भाई कई बार आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, कई बार आपको फिनिश गुड कस्टमर के पास लेके जाना पड़ेगा, सो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। फिर पैकेजिंग बोला है किसी ने, वेरी गुड वेरी गुड। फिर और कुछ? दैट्स इट। इलेक्ट्रिसिटी, ओके डन भाई, और भी खैर खर्चे तो और भी आ सकते हैं। अब आपको बताना है, ये जो आपने अच्छे खासे नाम तो दे दिए, बट अब आपको बताना है व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी इट। क्या ये बैटरी एक डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? जी हाँ यस, अब
क्लासिफाई करने हैं इन सारे कॉस्ट को इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। भाई कॉस्ट शीट का जो सबसे मेन चीज है वो है क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन ही अगर अपने को नहीं आएगा तो क्या फायदा। तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है ताकि अपन एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सीख जाए। लेट्स सी। अच्छा कोई बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, सुमित चल्ला। एक सेकेंड भाई सुमित, नेक्स्ट लाइन पे मुझे लिखना पड़ेगा। ओके 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 ओके, तो इधर मैं लिख, इधर सुमित ने जो बोला है वो लिख देता हूं मैं। भाई तो सुमित की बातों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जे के एल एम ओ पी क्यू। एक तो है मशीनरी, देखो मशीनरी तो बड़ा कॉस्ट है, उसका डेप्रिसिएशन आएगा ना, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। ओके मेंटेनेंस। चलो सबसे पहले अब इस एग्जांपल से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के क्या क्या मेरे कॉस्ट का बाइफर्केशन होता है, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आओ समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बैटरी, बोलो बैटरी क्या है। चलो अभी एक एक करके तुम लोग बोलते जाओ। बैटरी के बाजू में डी या आईडी लिख दो तो मुझे समझ जाएगा क्या है। यस वेरी गुड। यस बैटरी, सोचो क्या मेरे को एक मोबाइल बनाना है तो एक बैटरी, 10 मोबाइल बनाना है तो 10 बैटरी, 50 मोबाइल बनाना है तो 50 बैटरी। तो जितने मोबाइल बना रहा हूं उतने बैटरियों की जरूरत, इसका मतलब बैटरी क्या हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट। शाबाश, समझे क्या। डन। फिर नेक्स्ट स्क्रीन, सेम जितना जितना मोबाइल उतना स्क्रीन, डायरेक्ट। कैमरा, जितना मोबाइल उतना कैमरा सर। जब बात प्रोसेसर या जिसको अपन बोलते हैं मदरबोर्ड, जितने मोबाइल बनेंगे उतने प्रोसेसर्स बनेंगे। 1 लाख मोबाइल बनाओगे ना तो 1 लाख प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है, क्या तुम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। बॉडी, बॉडी भी क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट क्या होगा, अभी तक डायरेक्ट 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 लिखकर आए हो। हाँ बोलो बोलो, चल चल। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट क्या आएगा, फैक्ट्री रेंट। करेक्ट, इट विल बिकम अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये तो अपनी बात हो चुकी है। ओके अब एम्प्लॉयज सैलरी, मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, एम्प्लॉयज सैलरी एंड लेबरर्स वेजेस। ठीक है, अब एम्प्लॉयज सैलरी सुनो सुनो सुनो, एम्प्लॉयज सैलरी का मतलब एम्प्लॉय आ रहा है अपना, से कोई कस्टमर केयर का बंदा हो गया, से कोई एडमिन का बंदा हो गया, तो आपके पास कोई एडमिन का स्टाफ है, जनरल एंड एडमिन का स्टाफ है। ये जनरल एंड एडमिन के स्टाफ वाला बंदा, ये जनरल एंड एडमिन के स्टाफ वाला बंदा आपके पास आया, ये जो बंदा है आपके पास आके काम कर रहा है, एडमिन का काम करके जा रहा है, क्या ये प्रोडक्शन से कोई इसका लेना देना है क्या, ये एम्प्लॉय सैलरी का। बोलो बोलो, क्या इस एम्प्लॉय का प्रोडक्शन से कोई लेना देना है क्या, ये एडमिन का बंदा है जो एडमिन का काम कर रहा है, जो डेली से फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर ऑर्डर आया उसको प्रोसेस करना है, वो सब काम कर रहा है। तो अगर वो मेरे प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है तो ये एम्प्लॉय सैलरी कहां पे जाएगा। बोलो बोलो, चल चल, देखो मेरी बातों को समझो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एग्जैक्टली, ये हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा लेबरर्स वेजेस, ये क्रूशियल है। लेबरर्स वेजेस, देखो क्या मेरा लेबरर जो उसको मैं जो वेज दे रहा हूं क्या वो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है क्या, क्या वो प्रोडक्शन कर रहा है क्या मेरा लेबरर, मेरा लेबरर जिसको मैं वेजेस दे रहा हूं क्या वो मेरा मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहा है क्या, हाँ या ना। अगर हाँ तो क्या है वो, ना तो क्या है वो, प्लीज लेट मी नो। लेबरर्स वेजेस, आई एम वेटिंग। हाँ एम्प्लॉय सैलरी वाला एक बार वापस से बताता हूं। शुभम ध्यान से सुनना, से कोई एम्प्लॉय है मेरे मोबाइल मैजिक मोबाइल कंपनी में, वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है पता है क्या, ऑफिस में बैठ के एडमिन काम कर रहा है, वो ऑफिस में बैठ के एडमिन काम कर रहा है। तो मैं उसको सैलरी दे रहा हूं, सीधी सी बात है एम्प्लॉय है तो मैं उसको सैलरी दे रहा हूं। अब अगर मैं उसको सैलरी दे रहा हूं देन इन दैट केस क्या वो इस सैलरी के लिए, एवरीबॉडी क्या वो इस सैलरी के लिए क्या
प्रोडक्शन पे उसका सैलरी डिपेंडेंट है या इन जनरल मैं उसको जो सैलरी देने वाला हूं कितना भी प्रोडक्शन हो वो उतना देने ही वाला हूं। बोलो बोलो, टेल टेल, गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीबॉडी? यस 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 यस, सॉरी, हाँ इन जनरल है वो कोई थोड़ी मेरे प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। चलो अब लेबरर्स वेजेस, लेबरर्स वेजेस का तुम लोग ने बताया नहीं अभी तक क्या आएगा वो। क्या मेरा लेबरर प्रोडक्शन के ऊपर आई मीन प्रोडक्शन पे है क्या वो? द आंसर इज यस, मेरा लेबरर एक्चुअली फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन कर रहा है और उसको जो वेजेस दे रहा हूं ना मैं, कई बार कैसे देता हूं कि भाई चल 10 यूनिट बनाया 13,000 रुपया, 100 यूनिट बनाया 10,000 रुपया, 1 यूनिट पे 100 रुपया, करेक्ट, दैट विल बिकम अ डायरेक्ट वेज, आई मीन डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली। अभी अंडरस्टैंडिंग ये सब अभी आगे काम आने वाला है बच्चों, तो ध्यान से जवाब देते जाना। अभी जो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, वेरी क्रूशियल एडवर्टीजमेंट, बोलो 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 बोलो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सो देखो कुछ कुछ एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऐसे होते हैं वेयर इन द बाइफरकेशन कैन बिकम डिफिकल्ट, तो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा वो कैसे टाइप का एडवर्टीजमेंट है। अगर मैं समझो आपको बोलता हूं कि मैं क्या करता हूं पता है एडवर्टीजमेंट के लिए, सुनो ध्यान से, मैं एडवर्टीजमेंट के लिए मोबाइल के साथ एक स्क्रैच कार्ड फ्री में दे रहा हूं, तो हर मोबाइल के साथ स्क्रैच कार्ड जाएगा तो वो क्या बन जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट। बट समझो अगर मैंने एक बहुत बड़ा कहीं पे बैनर लगाया, एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा बैनर लगाया, ठीक है, और वो बैनर के लिए मेरे को 10 लाख रुपया देना है, अब मैं उस बैनर से मेरा 10,000 मोबाइल बिके या 1 मोबाइल बिके, कहना से मेरे को तो वो जो बैनर है उसके हिसाब से उतना देना ही है, समझ रहे हो? सो अगर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट हुआ बैनर वाला, then in that case it is a indirect cost, otherwise it is a direct cost. Are we understanding guys? Got it? तो अगर मेरा स्क्रैच कार्ड जैसा कोई चीज हुआ तो वो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, टेल टेल, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट। जो होर्डिंग जैसा कुछ हुआ तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट। अभी क्लियर है एवरीवन? हाँ यस प्रत्यांशी, करेक्ट, चलो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। देखो ध्यान से समझना, जितने मोबाइल उतने मेरे को सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, इट विल बिकम अ डायरेक्ट कॉस्ट, इट विल बिकम अ डायरेक्ट कॉस्ट। मार्केटिंग, एनीबॉडी, मार्केटिंग, करेक्ट, सो ये भी मार्केटिंग भी, सो मेरा मार्केटिंग भी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट के जैसा ही होता है। चलो सो मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या हुआ मेरा? एडवर्टीजमेंट के जैसा। सुनो बता दो, एडवर्टीजमेंट का एक और बता दू सर, आ जाओ, देखो, सो इधर एक एडवर्टीजमेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है, अब सुनो, एडवर्टीजमेंट में दो तरह के बाइफरकेशन मैंने किए थे, एक मैंने आपको बोला था से मैजिक मोबाइल के साथ स्क्रैच कार्ड फ्री, ये जो स्क्रैच कार्ड फ्री दे रहा हूं मैं
एज अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं, ठीक है। क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? अब मेरे लिए तो ये कॉस्ट है, समझो ये स्क्रैच कार्ड मेरे लिए तो एक कॉस्ट है, बराबर है। ओके, स्क्रैच कार्ड कॉस्ट है, अब भले ही मैं इसको फ्री में दू बट मेरे लिए तो खर्चा है। अच्छा, क्या हर मोबाइल के साथ में दे रहा हूं? यस। सो जितने नंबर ऑफ मोबाइल उतने ही नंबर ऑफ स्क्रैच कार्ड, उतने ही नंबर ऑफ स्क्रैच कार्ड, तो ये क्या बन जाता है मेरा? करेक्ट, ये बन जाता है मेरा डायरेक्ट कॉस्ट। ए समझ यू एवरीबॉडी? देख, जितने मोबाइल फोन उतने स्क्रैच कार्ड देने पड़ेंगे ना गौरव। मोहम्मद समझ में आया? बट यही एडवर्टीजमेंट दूसरे फॉर्म में भी होता है। से फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने बहुत बड़ा होर्डिंग या बोर्ड लगा दिया, मैंने एक बहुत बड़ा होर्डिंग या बोर्ड लगा दिया तुम्हारे स्कूल के बाहर या तुम्हारे कोई कॉलेज के बाहर, बहुत बड़ा होर्डिंग और बोर्ड लगा दिया, मैजिक मोबाइल बाय संकल्प, ऐसा एक बहुत बड़ा ये लगा दिया मैजिक मोबाइल। ठीक है, अब अगर मैंने ये होर्डिंग या बोर्ड लगाया है, अब अगर ये होर्डिंग या बोर्ड लगाया है, देन इन दैट केस क्या ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है क्या? इसका जो कॉस्ट है, नो, कॉस्ट नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाता है बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। गॉट इट? मोहम्मद तेरे को समझ में आया बड़ा? चल डन। एडवर्टीजमेंट बस वैसे ही मार्केटिंग में भी होता है, सेम टू सेम। सेम एज एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ओके। प्रशस्त का अच्छा क्वेश्चन है, जो उसको उसके कॉमर्स के टीचर को पूछना चाहिए, सर एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? कई बार सिमिलर लेवल्स पे भी यूज होता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट मतलब बेसिकली जो आपके टेलीविजन में आते हैं ना, टेलीविजन एड्स, एडवर्टीजमेंट वो है। मार्केटिंग थोड़ा ब्रांडिंग साइड पे होता है, कि आपका ब्रांड डेवलप करने के लिए जो आप यूज करते हो ना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। चल फिलहाल फोकस खाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। क्या अपने को समझ में आ रही है बात? यस। अच्छा, वेयरहाउस, वेयरहाउस पे बेसिकली आप जो रेंट है वो, तो वेयरहाउस रेंट मैं इधर लिखता हूं, तो वेयरहाउस रेंट है अगर वो, तो क्या हो जाएगा ये? यस, इट विल बिकम अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन, बोलो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? कम ऑन गाइस, बोलो। सो डिपेंड्स अगेन, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन, वो लोग बोल रहे हैं भाई हर यूनिट के लिए मैं 10 रुपया लूंगा, तो इट कैन बिकम अ डायरेक्ट कॉस्ट, अदरवाइज मेजरली इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। पैकेजिंग, जितना मोबाइल उतने यूनिट्स पैक करने पड़ेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग मिक्स में एक एलिमेंट है। वेरी गुड सुमित। देखो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसा है पता है? मैं आपको बोलता हूं, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे ना, तो कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कंज्यूम मत करो, तो भी एक 200 रुपीज जितना बिल आएगा ही आएगा, उतना इनडायरेक्ट है। बाकी का जितना मैं पावर कंज्यूम करते जाऊंगा, उतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ते जाएगा। सो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अप टू अ सर्टेन कॉस्ट, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, और उसके बाद इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, उतना पार्ट वो इनडायरेक्ट है, उतना पार्ट वो इनडायरेक्ट है। हाँ, फोन बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कोई डाउट नहीं है। तो जितना वो कंज्यूम, सॉरी उल्टा उल्टा, अप टू अ सर्टेन कॉस्ट वो इनडायरेक्ट है, और बाकी का कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। मैं बताता हूं कि कैसे हुआ ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आओ आओ आओ, कभी भी टेंशन नहीं लेने का। से इलेक्ट्रिसिटी है, तुम लोग अपने घर पे जाके है ना, घर पे जाके मम्मी पापा को पूछना कि मम्मी पापा अगर अपन लोग बाहर गांव चले गए 2 महीने के लिए, बाहर गांव चले गए ठीक है, अपन लोग घर पे है ही नहीं, देन इन दैट केस क्या अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा क्या? द आंसर इज यस। तो भी कुछ ना कुछ पार्ट तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ही आएगा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अ सर्टेन चार्ज फॉर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आने ही वाला है, बट बाकी का, अब समझो मैं एक यूनिट बना रहा हूं, तो एक यूनिट ही अगर बना रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम। अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कॉस्ट। अगर मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं तो 1000 यूनिट जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ तो उतना इलेक्ट्रिसिटी का और ज्यादा कॉस्ट, समझ रहे हो? सो कैन आई से मेरे प्रोडक्शन के बेसिस पे क्या मेरा ये कॉस्ट चेंज हो रहा है? एग्जैक्टली दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो थोड़ा उतना पार्ट डायरेक्ट भी होता है कि भाई जितना मैं प्रोडक्शन करते जाऊंगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होते जाएगा, तो जितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, जितना प्रोडक्शन पे जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उतना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, वो पार्ट डायरेक्ट है। बट कुछ पार्ट इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है वो इनडायरेक्ट लेवल पे थोड़ा सा तो अपने से लेती ही लेती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं या कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, उतना पार्ट इनडायरेक्ट में जाएगा। समझू? गाइस गॉट इट, गॉट इट? कॉस्ट बेस्ड ऑन कंजम्पशन। तो भाई अपना इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो नहीं 1000 रुपया ही आने वाला है भाई, वो तो जितना मैं प्रोडक्शन करूंगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, उतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ेगा, तो डायरेक्ट भी हुआ। तो जितना पार्ट वो बेस्ड ऑन कंजम्पशन आता है ना, उतने को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, बट थोड़ा बहुत तो उतना आने ही वाला है। डन, इनडायरेक्ट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन फिक्स्ड एक्सटेंट। आर वी क्लियर गाइस? समझ में आया? चल नेक्स्ट, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, बोलो ये किधर जाएगा? मशीनरी का डेप्रिसिएशन, बोलो बोलो, चल चल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, गुड गुड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलो इसका भी एक वर्किंग नोट बनाते हैं, मशीन डेप्रिसिएशन। देखो आइडियली प्राइमा फेसी तो कोई भी सुन के लगेगा ये इनडायरेक्ट ही है, बट कभी कभी क्या होता है पता है क्या, वो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी वो लोग दे देते हैं, क्वेश्चन दे सकता है कभी कभी, तो ऐसे केस में वो डायरेक्ट में जाता है। सो कभी कभी क्या होता है, मशीन का डेप्रिसिएशन, आइडियली तुम लोग ने बराबर बोला, वो इनडायरेक्ट ही है। हाँ नहीं बनाते तो भी लगता ही है, बट कभी कभार वो लोग क्या करते हैं पता है क्या,
मशीन डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। अगर ऐसा रेयर केस हुआ तो इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, अदरवाइज फ्रेंकली स्पीकिंग आप लोग ने बराबर बोला, इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली। ठीक है, इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली। सो यहां पे मेजरली इनडायरेक्ट ही है, तो मैं इसको इनडायरेक्ट ही यहां पे लिखता हूं। हाँ भाई, मेंटेनेंस ये भी कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पे तो डिपेंडेंट है नहीं कि भाई एक बार एक प्रोडक्ट बनाया एक बार मेंटेन करो, दो प्रोडक्ट बनाया दो बार मेंटेन करो, 100 प्रोडक्ट बनाया 100 बार मेंटेन करो, नहीं। जनरली कि भाई चलो 1000 यूनिट बनाया अभी थोड़ा मेंटेनेंस कर देते हैं। सो ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट के जैसा है। क्या आपको समझ में आ गया क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट एंड क्या होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट? एवरीबॉडी बोलो बोलो, चल चल, क्लियर है? एकदम दिमाग में छप गया है? ठीक है, अभी तो और बहुत सारे कॉस्ट आ सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, मैंने खाली कुछ ले लिए सो दैट वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या आपका दिमाग चलने लगा है अभी डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में? सर हमें ये एग्जाम्पल नोट करना है क्या? करना है तो कर लो, 5 मिनट दे सकता हूं मैं, जैसा तुम बोलो, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। बोलो, कर लो, 2 मिनट देना, कर लो फटाफट, फोटो ले लो, बाद में भी कर सकते हो, ये तू नोट्स तुम लोग के पास रहेंगे, चलो प्लीज कॉपी।
हाँ भाई हाँ, मेरे ये नोट्स ड्राइव पे अपलोड होंगे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ड्राइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो इधर तक चीजें समझ में आ चुकी है अपने को, राइट? क्या कर रहे हैं अपन लोग, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट क्यों बना रहे हैं? एक बिजनेस के खर्चे को, एक बिजनेस के खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। राइट, प्लस 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 सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करना है, प्लस क्लासिफाई करने के बाद उसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में डालना है। इस चीज में मैंने स्टार्ट किया समथिंग कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, और मैंने कॉस्ट को क्लासिफाई करना चालू किया, और दो पार्ट में उसको मैं अभी फिलहाल तक क्लासिफाई कर चुका हूं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों किया मैंने ये क्लासिफिकेशन, आपको पता है क्यों किया मैंने ये क्लासिफिकेशन? बिकॉज नाउ ये जो कॉस्ट शीट है ना, दिस कॉस्ट शीट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू फॉर्म्स। एक पार्ट में है उसका पूरा डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरे पार्ट में है इनडायरेक्ट कॉस्ट। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता है और सीधा वो लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, बट अपन ये गलती नहीं करेंगे। अपन लोग पहले समझ समझ के एक एक चीज को मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा। जब ओरिजिनली कॉस्ट शीट बना था तो क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे बना था, ये एक एक चीज आपको मैं बताते जाऊंगा। अभी क्लियर? गॉट इट? इधर तक सब लोग सब क्लियर है? एग्जाम्पल्स भी मैंने तुम लोग को बता दिया, तो तुम लोग एक मोटा मोटा यू कैन से ब्रॉडली क्लासिफाई करना सीख गए हो कौन सा कॉस्ट डायरेक्ट होता है, कौन सा कॉस्ट इनडायरेक्ट होता है। डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन है ये वाला, एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन है ये वाला। चल समझ में आ गया? ओके सर, समझ में आ गया। अब इस डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को री सब डिवाइड किया जाएगा। तो कॉस्ट को सब डिवाइड किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब इस डायरेक्ट को सब डिवाइड किया जाएगा और इस इनडायरेक्ट को सब डिवाइड किया जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो कॉस्ट को डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। आज अपन डिवाइड करेंगे इस डायरेक्ट कॉस्ट को और इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को, और डायरेक्ट कॉस्ट को फर्दर सब डिवाइड कैसे कर सकते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट को फर्दर सब डिवाइड कैसे कर सकते हो, बताऊं मैं? एकदम सिंपल वे है। दुनिया का कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट होने दो या दुनिया का कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होने को होने दो, उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। हर डायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट है, या तो रॉ मटेरियल, या तो लेबर, या एक्सपेंसेस। सेम इज द केस विद इनडायरेक्ट कॉस्ट, या तो उसका भी रॉ मटेरियल होगा, या उसका भी लेबर, या उससे भी रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे दिखता हूं, अगर आप लोग ये मोबाइल को देख रहे हो, मोबाइल को दिख रहा है आप लोग को ये मोबाइल फोन? ये जो मेरा मोबाइल फोन है, ये जो मेरा मोबाइल फोन है ना, इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए बटन्स, प्लास्टिक, ये सब यूज किया है। दे आर ऑल योर रॉ मटेरियल, मटेरियल यूज हुआ बेसिकली। मटेरियल तो आ गया, प्लास्टिक आ गया, वो प्लास्टिक को बटन्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको प्रॉपरली कैसे असेंबल करना है, वो कौन करने वाला है? लेबरर। तो लेबरर भी आ गया मेरा।
और ये सब मेरा कहां पे बन रहा है, इन माय फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो रेंट है, फैक्ट्री के लिए जो कुछ मेरे को और एडमिन स्टाफ रखना पड़ रहा है, एक एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, वो क्या हो गया मेरा एक्सपेंसेस। सो दुनिया में अपने को खाली तीन चीजों से लेना देना है, खाली तीन चीजों से लेना देना है, एंड दैट इज दिस, क्या, कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल, और फॉर दैट मैटर उसको और ब्रॉडली क्लासिफाई कर देता हूं, कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल, कॉस्ट रिलेटिंग टू लेबर, एंड एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होता है आपका। तो मेरा जो कॉस्ट शीट है ना, दो मिनट बस मुझे और दे दो, तो मैं तुम लोग को, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो एकदम बेस लेवल से पढ़ा रहा हूं, मतलब दिस इज हाउ कॉस्ट शीट वॉज ओरिजिनेटेड इन द होल प्लेस। सो दिस इज हाउ द होल कॉस्ट शीट वॉज ओरिजिनेटेड, कि भाई कॉस्ट को डिवाइड किया, क्या, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कैसे डिवाइड किया कॉस्ट को, एक बोला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट, इस डायरेक्ट कॉस्ट को भी फर्दर सब डिवाइड किया, बोलो बोलो, टेल टेल, एनी आइडिया क्या होता है ये डायरेक्ट कॉस्ट में भी, तीन तरह का डायरेक्ट कॉस्ट है, पहला डायरेक्ट मटीरियल, यस यू हर्ड दैट राइट, डायरेक्ट मटीरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझे। और ये तीनों को मिला के बनता है जिसको आज के बाद अपन बोलेंगे प्राइमरी कॉस्ट, क्योंकि उनका मानना है, जिसने ये कॉस्ट शीट बनाया उनका मानना है दैट ये तीनों कॉस्ट के बिना मेरा कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, और फिर इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी मतलब मेन, मेन क्या है, मेन, तो ये है मेरे मेन चीज। और फिर आया इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, देखो जैसा आप लोग देख रहे हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एंड लेट्स राइट दोस थ्री पार्ट्स अगेन, यहां पे भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इधर इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड खर्चा होगा, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड खर्चा होगा। इसको जैसे अगर ये प्राइमरी कॉस्ट है तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको क्या बोलेंगे, इसको नाम दिया गया सेकेंडरी कॉस्ट, बट जैसे इसको नाम दिया प्राइम कॉस्ट, दिस वॉज नोन एज ओवरहेड्स, दिस केम टू बी नोन एज ओवरहेड्स। तो आज के बाद आपको कोई पूछे ओवरहेड्स क्या होता है, पूरा का पूरा इनडायरेक्ट कॉस्ट मिला के उसी को कहते हैं ओवरहेड्स, समझे। अब मैं इसको अगर अपना जो एग्जांपल था इसको और फर्दर बाइफरकेशन करवाऊं, तो बैटरी क्या है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल, भाई डायरेक्ट कॉस्ट तो है पर डायरेक्ट कॉस्ट में अब तीन चीजें आ गई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। स्क्रीन क्या है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल, वैसे ही से फॉर एग्जाम्पल इधर लेबरर का वेजेस क्या है मेरा, डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री का रेंट क्या है मेरा, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया क्या, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, गॉट इट गाइस, गॉट इट, भारी, एकदम भारी हो रहा है सर, तो सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, फिर भारी होना भी चाहिए, बट दिस इज द अल्टीमेट वे इन द वे यू डू योर कॉस्ट शीट,
बाकी है ना फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सीधा आपको करवा सकता हूँ और वो फॉर्मेट एकदम इजीली लर्न भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको रियल तरीका सीखना है ना, रियल में कॉस्ट शीट कैसे आया था ऐसे, तो उन्होंने पहले आइडेंटिफाई कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। इस डायरेक्ट कॉस्ट में या इनडायरेक्ट कॉस्ट कोई भी ले लो, तीन तरह के मेरे एलिमेंट्स होते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए भी मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस यूज होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए भी मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस यूज होता है। एंड दैट्स हाउ द बाइफरकेशन वाज री सब डिवाइडेड। ए समझ गुडू, बोलो बोलो, चल चल। फील आ गया ना एकदम, यही यही फील देना चाहता हूं। अगेन आई एम टेलिंग यू, सी मेरे पास एक शॉर्टकट भी है कॉस्ट शीट को करवाने का, सीधा फॉर्मेट के थ्रू करवा दूं। बट मैं वैसा करूंगा ही नहीं, मैं सीधा फॉर्मेट पे आऊंगा ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि कोई चीज कैसे डिराइव हुई है। आपको क्या लगता है वो फॉर्मेट ऊपर से गिरा होगा? मैं तो डायरेक्टली फॉर्मेट लिखवा सकता हूँ और उससे करवा सकता हूँ, समझ रहे हो तुम लोग? बट आपको क्या लग रहा है कि फॉर्मेट सीधा ऊपर से गिरा होगा नीचे? नहीं, वो फॉर्मेट कैसे बना होगा ना, वो मैं आप लोग को उस एक्सटेंट तक, उस डिटेलिंग में जाके बता रहा हूँ क्या होता है कैसे होता है, सो दैट कभी आप जिंदगी में भूलोगे नहीं ये वाली चीजें, ये मेरी गारंटी है। गॉट इट? हाँ, ये तरीका एकदम सही है ना, फालतू में रट्टा मार के क्यों करने का अपने को। बट ये थोड़ा सा है ना हैवी लगेगा, ये ना थोड़ा हैवी लगेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्चुअली आप इतना साउंड रहोगे ना कि आपको कोई चीज हिला ही नहीं पाएगी। आपको सीधा आपके दिमाग में ही है ना पूरा वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बन जाएगा, लॉजिकली आप दिमाग लगाना चालू कर देंगे। अच्छा, कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट का एक फॉर्मेट, एक स्टेटमेंट, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, तीन एलिमेंट होते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। डायरेक्ट में भी डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी कॉस्ट। और इनडायरेक्ट में भी तीन एलिमेंट होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। सही है? गाइस, चलो अब कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। अब मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊं, ठीक है ना, उसके पहले क्यों ना इसको और डिटेल में समझ कि डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल में क्लासिफाई करना है, कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट लेबर में क्लासिफाई करना है, कैसे पता चलेगा ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लासिफाई करना है। आओ, उसके लिए कुछ चीजें आप लोगों को बताते जा रहा हूं मैं। आइए आइए आइए, तो पहला मेरा कॉस्ट है, जी हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट, तो इधर मैं बता देता हूं, एक बार लिखवा देता हूं तुम्हारे हेल्प के लिए, दैट कॉस्ट शीट इज सब डिवाइडेड, इज डिवाइडेड इंटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज
कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स टू मेक एनी प्रोडक्ट, टू मेक एनी प्रोडक्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. ए समझ गए? डन. चलो अब पहला पड़ाव एंड दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट. देखो रास्ता कठिन होगा ना तो याद रखना मंजिल भी सुहानी होगी. ठीक है, रास्ता अगर आसान बना दिया ना तो आप लोगों के लिए मंजिल बड़ी ही कठिन हो जाएगी. तो अभी रट्टा तो मरवा देंगे आपको मैं. फॉर्मेट चाहिए ही नहीं, वो मैं फॉर्मेट पे आऊंगा ही नहीं. फॉर्मेट तो एंड में आप लोग के पास से मैं डिराइव करवाने वाला, देख लेना. यस, मैं आपको खाली फॉर्मेट के एलिमेंट्स बताते जा रहा हूं लॉजिकली. तो दिस इज हाउ रियल में कॉस्ट शीट बना था. एंड देन फिर बाद में कैसे उसको ज्वाइन करके ये पूरा कॉस्ट शीट बना वो खुद आप लोग आइडेंटिफाई करके बना पाओगे. देखो अब सबसे पहला बना रहा हूं मैं डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है एंड दैट इज तीन. क्या है वो? डायरेक्ट मटेरियल, सर कॉस्टिंग एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं क्या? हाँ, आते हैं ना, आते हैं ना, आते हैं ना. अराउंड 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का आता है ना. हाँ, अभी डायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया अपन लोग ने. क्या है वो तीन पार्ट? पहला है डायरेक्ट मटेरियल. ये होता क्या है डायरेक्ट मटेरियल, समझने की कोशिश करते हैं. आओ, डायरेक्ट लेबर होता क्या है ये डायरेक्ट लेबर? एंड फाइनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आओ आइए. सर 30 मार्क्स एमसीक्यू है तो अभी भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे क्या? यस, दे कैन पुट इन बिटवीन और थियोरेटिकल क्वेश्चन का एमसीक्यू बना देंगे वो लोग. लेट्स स्टार्ट. सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या होता है ये डायरेक्ट मटेरियल? मैं आपको बताता हूं. इस पेन को बनाने में प्लास्टिक यूज हुआ है, इस कैलकुलेटर को बनाने में प्लास्टिक यूज हुआ है, इस बॉटल को बनाने में स्टील यूज हुआ है, और क्या दूं भाई, इस घड़ी को बनाने में मेटल यूज हुआ है. तो ये सब क्या है? दे आर ऑल डायरेक्ट मटेरियल. जो भी मैंने नाम लिया, प्लास्टिक, स्टील, मेटल, ये सारी चीजें क्या पता है? दे आर आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट. आप फील कर सकते हैं, हाँ भाई प्लास्टिक यूज हो रहा है, फील कर सकते हैं. आप फील कर सकते हैं, हाँ भाई स्टील यूज हो रहा है. आप फील कर सकते हैं, हाँ भाई मेटल यूज हो रहा है. समझ रहे हैं? आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट. एंड दूसरा डायरेक्ट मटेरियल कब वो बनता है? एक तो आइडेंटिफाइबल है, दूसरा यू कैन एक्चुअली फील द रॉ मटेरियल एंड इट इज डायरेक्टली एलोकेबल टू द प्रोडक्ट. मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक,
10 यूनिट बनाने के लिए 10 किलो प्लास्टिक, 1 किलो प्लास्टिक का 100 रुपया, 10 किलो प्लास्टिक का 1000 रुपीज डायरेक्टली एलोकेबल टू द प्रोडक्ट. सो आइडेंटिफाइबल, फीलेबल, डायरेक्टली एलोकेबल अगर कोई चीज हुई, इट इज डायरेक्ट मटेरियल. देखो तुम लोग में से कुछ लोग पढ़े भी होगे, कॉस्ट शीट पढ़ के आए होगे कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर दिस इज नॉट हाउ इट वुड हैव बीन टॉट. आई मीन इतना डिटेलिंग में कोई नहीं पढ़ाएगा. आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इतना डिटेलिंग में, ताकि आपका बेस कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए. और आदमी का जब बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो एडवांस लेवल क्वेश्चन में उसको कोई हिला नहीं सकता. Identifiable in the product. Feel the raw material in the output produced. In the output produced, plus it is directly allocable to the product, plus it is directly allocable to the product. एग्जाम्पल दो चलो. एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, एक दो बोलो. कैन आई से स्टील इन द बॉटल, मेटल इन द वॉच, प्लास्टिक इन द कैलकुलेटर, वुड इन अ वुडन चेयर? क्या कोई वुडन चेयर वुड के बिना बन सकती है क्या? फील के साथ हम टच भी लिख सकते हैं क्या? यस. तो कैन आई राइट एन एग्जाम्पल यार? एग्जाम्पल वुड इन द वुडन चेयर. शर्ट बनाने के लिए क्या यूज हुआ है? कॉटन. क्या आप कॉटन को टच और फील कर सकते हो? तो कॉटन क्या हुआ? राइट ऑन. वुड इन अ वुडन चेयर एंड दूसरा कॉटन इन अ शर्ट. हाँ, अब स्वप्निल का एक अच्छा क्वेश्चन है. गुड, कीप ऑन आस्किंग द डाउट. मुझे अच्छा लगा. अगर वो नहीं पूछता तो मैं आप लोग को पूछ के कंफ्यूज करने की कोशिश करता, बट उसने पूछ लिया. उसने पूछा सर एलोकेबल का मतलब क्या होता है? एलोकेबल का मतलब होता है डायरेक्टली चार्जेबल. क्या अगर मैं बोलता हूं भाई एक, भाई क्या, हाँ अगर मैं बोलता हूं भाई एक एक कैलकुलेटर बनाने को 1 किलो प्लास्टिक, और 1 किलो प्लास्टिक का है 10 रुपया, मेरे को 50 कैलकुलेटर बनाना है तो 50 किलो लगेगा. 1 किलो का है 10 रुपया तो 50 किलो का 500, तो डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट. 1 किलो 10 रुपया, 1 कैलकुलेटर. 50 किलो 50 × 10 रुपया, 50 कैलकुलेटर. डायरेक्टली चार्जेबल. एलोकेबल मतलब चार्जेबल, डायरेक्टली चार्जेबल. समझ में आया स्वप्निल? यस करेक्ट यशस्वी. कॉटन फॉर क्लोथ्स. जब चाहिए तो अपन वी कैन ऑल्सो राइट द वर्ड डायरेक्टली चार्जेबल.
डन। सेकेंड डायरेक्ट लेबर पे आ रहे हैं अपन लोग, ठीक है, सेकेंड डायरेक्ट लेबर पे आ रहे हैं। डायरेक्ट लेबर मतलब कहना इसे इंसान है। सो लेबरर हु इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। भाई वुडन चेयर बनाने के लिए वुड तो आ गया, अब क्या ऊपर कोई मंत्र डालेंगे तो वो वुडन चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर बनाने के लिए प्लास्टिक तो आ गया, डायरेक्ट मटेरियल तो आ गया, अब क्या मंत्र डालेंगे तो वो प्लास्टिक सीधा कैलकुलेटर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। देयर हैज टू बी सम पर्सन। सो पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? और उसको जो पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाई कर लो, उसके लिए जो खर्चा हुआ है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पहले डायरेक्ट लेबर आइडेंटिफाई कर लो, उसके लिए जो खर्चा हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो वर्कर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट वेजेस ऑफ लेबरर्स इन फैक्ट्री। आर द लेबरर्स इन फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट? यस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। ए समझियो एवरीबॉडी। एग्जाम्पल सपोज लोग उसको बोलते हैं एक पेन बनाने के लिए तेरे को 100 रुपया देता हूं, तो 10 पेन बनाने के लिए 1000 रुपया, ये क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर। डन। और फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो, अब तुम लोगों को मैं इतना रिटेलिंग में बता रहा हूं, ये सब कहां से आए डेफिनेशंस पता है? ये डेफिनेशंस आए हैं सीआईएमए यूके। सीआईएमए यूके जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉस्टिंग के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उसने ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की टू सीएमए इंस्टीट्यूट इंडिया, और उन्होंने ये कुछ डेफिनेशंस बनाए। और उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस को है ना छोड़ दिया, उसने बोला हम लोग तेरे लिए कोई डेफिनेशन नहीं बना ले। उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल का बनाया, डायरेक्ट लेबर का बनाया, डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन ही नहीं बनाया। और उन्होंने क्या बोला पता है? एनी डायरेक्ट कॉस्ट विच इज नाइदर अ डायरेक्ट मटेरियल नॉर अ डायरेक्ट लेबर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सोचो ऐसे करके बेचारे को इग्नोर कर दिया, क्या बोलोगे आप? बहुत बुरा लगा उसको, दिल से बुरा लगा उसको। एनी तो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो पहले अपन आइडेंटिफाई कर लो भाई डायरेक्ट कॉस्ट है क्या। हाँ डायरेक्ट कॉस्ट है, वो आइडेंटिफाई करना अपने को आ गया। फिर देखो अच्छा, पर डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, तो क्या हुआ? हाँ समझ गए। सो एनी डायरेक्ट कॉस्ट विच इज नाइदर डायरेक्ट मटेरियल नॉर डायरेक्ट लेबर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एक तगड़ा एग्जाम्पल है जो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, जो आपको समझेगा नहीं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे। ये देखो, आओ मैं पहले आपको प्रैक्टिकली बताता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस का एक एग्जांपल। आइए, एग्जांपल फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड दैट इज
मशीन ऑयल यूज्ड इन अ फैक्ट्री फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट। जी हाँ, मशीन ऑयल यूज्ड इन अ फैक्ट्री फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। अभी आओ अभी आओ। सर क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं, समझो अपने को एक पेन बनाना है। आपको मैंने बोला था ना फैक्ट्री में भी जरूरत पड़ी तो लेके जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। एक पेन बनाना है, ठीक है। ये पेन बनाता है अपन एक मशीन में, ठीक है। यहां से इनपुट डालो, वहां से पेन आएगा। अब ये पेन बनाने के लिए कहना, इसे मेरे को एक पेन बनाने के लिए मेरे मशीन में 1 लीटर ऑयल कंज्यूम होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को 100 पेन बनाना है तो कितना ऑयल यूज होगा? क्या ना इसे 100 लीटर ऑयल यूज होगा? क्या ना इसे 100 लीटर ऑयल यूज होगा? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। एक पेन बनाना है 1 लीटर ऑयल, 100 पेन बनाना है तो 100 लीटर ऑयल यूज होगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस। तो ऑयल क्या हुआ, ऑयल क्या हुआ बोलो। अब आपको ये देख के क्या समझ में आया, ऑयल क्या हुआ? चलो समझो, आपको 20 पेन बनाना है। देखो पेन बनाना होता है तो मशीन ऑयल यूज करता है। एक पेन बनाने के लिए 1 लीटर ऑयल की यूज किया, 20 पेन बनाने के लिए 20 लीटर ऑयल यूज करेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये ऑयल क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। वेरी गुड प्रशस्त, प्रशस्त ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो बोलो ऑयल क्या है, आप लोग बताओ, दिमाग लगा के आप लोग बताओ ये ऑयल क्या लग रहा है आपको। ये जो ऑयल है, मशीन ऑयल है, ये आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट? ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है। ओके, अब इसको क्लासिफाई करो, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है क्या? क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है क्या? तो मटेरियल में क्या बोला है वो लोग ने, आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट, फील द रॉ मटेरियल इन द आउटपुट प्रोड्यूस। क्या ये कैलकुलेटर में आपको मशीन का ऑयल फील कर पा रहे हो क्या? क्या ये पेन में आप मशीन ऑयल यू फील कर पा रहे हो क्या? क्या इस ग्लास में स्टील फील कर पा रहे हो क्या? उसका मशीन ऑयल फील कर पा रहे हो क्या? द आंसर इज नो। तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। डायरेक्ट लेबर तो एक इंसान होता है, ऑयल कोई इंसान ही नहीं है, तो डायरेक्ट लेबर तो हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्ट कॉस्ट है पर डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। ए समझिगड़ू। एंड फिर यहां पे अपन लोग लिख लूंगा मैं एग्जांपल, विद योर परमिशन, मशीन ऑयल, मशीन ऑयल। समझे क्या? और एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देता हूं। दू क्या दू? और एक एग्जाम्पल देता हूं आप, एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी ने वर्ड यूज किया था रॉयल्टी, उसको मैं बताता हूं कैसे। उसने वर्ड तो देख लिया होगा कहीं पे, बट कैसे ये रॉयल्टी है वो नहीं पता होगा। अब बताता हूं, फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो, अब यार पढ़ा पढ़ा के तो थक जाता हूं मैं, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ, इतना एफर्ट लेके पढ़ाओ, पर बच्चे एंड में बोल के क्या जाते हैं, सर आपने है ना ये वाला चीज थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, सर आपने ना ये वाला चीज थोड़ा स्लो बता दिया,
सर ये आपने ना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, सर ये वाला चीज समझ में नहीं आया। अरे भाई समझ में नहीं आया तो पूछो, तुम्हारे को तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, कोई डाउट हो तो पूछो 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 तो पूछो ना, ठीक है। तो मैं बोला यार अब ये नहीं पढ़ाना यार, थक गया हूं मैं पढ़ा पढ़ा के। तुम लोग बोलोगे कि सर हमारा बैच तो पढ़ा दोगे ना, हाँ, तुम्हारा बैच पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो अब बात कुछ ऐसी हो गई, सुनो ना, बात कुछ ऐसी हो गई कि मैंने सोचा कि यार ये जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्यों ना उस डायरेक्ट क्यों ना टीचिंग का फील्ड छोड़ के अब मैं कोई और चीज में जाऊं, ठीक है। सो मैंने बोला कि यार टीचिंग तो नहीं करना है, थक गया हूं मैं टीचिंग कर करके, ये बच्चों की बातें सुन सुन के मैं थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं। तो अब क्या करोगे सर? तो मैं सोचा हूं कि मैं आज की तारीख में इंडिया में एक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और वो है कार का बिजनेस, तो मैं स्टार्ट करूंगा कार का बिजनेस, ठीक है। अब मेरे को एक आइडिया आया है कार बनाने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं कार का बिजनेस करूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बात बताना, कि समझो मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूं और उस कार का नाम देता हूं मैं SK कार्स, उस कार का नाम देता हूं मैं SK कार्स, क्या? अच्छा चलो ये मैं कार के बिजनेस में आऊं उसके पहले मैं आपको बोलता हूँ। चलो अब आप संकल सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को टीचिंग, जरूर बताना मुझे, अच्छा लग रहा है ना? अभी तो और बहुत मजा आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है कहानी। सो आप पढ़ते गए आपको अच्छा लगा, ठीक है। सी मैंने फिर आप लोग सीए फाइनल में आओगे मेरे पास, सीएमए फाइनल में आओगे, फाइनल में भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि यार चलो मैं यहाँ पे टीचिंग तो आप लोगों को कर ही रहा हूं, पढ़ा तो रहा ही रहा हूं, उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब मैं इंटर और फाइनल सीए को छोड़ के मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अब मैं सीए फाउंडेशन को भी पढ़ाऊं, सीए फाउंडेशन को मैं अकाउंट्स पढ़ाना चाहता हूं, सीए फाउंडेशन को मैं अकाउंट्स पढ़ाना चाहता हूं। तो क्या आप मेरा रेफरेंस आपके जूनियर्स को सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए देंगे या नहीं देंगे? चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इंटर से फाइनल में तो आप मेरे पास आने ही वाले हो, बराबर के नहीं? क्या, हाँ, क्या आप लोग फाइनल के लिए, आई मीन फाउंडेशन में अगर मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं मैं अकाउंट्स बनाने वाला हूं, तो आप लोग ने मेरा टीचिंग क्वालिटी देखा, आपको पता है स्टाइल क्या है मेरा, क्या अब आप मेरा रेफरेंस लोगों को आपके फाउंडेशन के लिए दोगे या नहीं दोगे? अब बोलोगे सर डेफिनेटली, अब हमारे जूनियर्स को बोलेंगे यार डेफिनेटली जाओ संकल सर के पास, अकाउंट्स भी अच्छा ही पढ़ाएंगे, कॉस्टिंग न्यूमेरिकल जैसे ही सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो भी अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो दैट इज वेयर, यस दैट इज वेयर आप लोग मेरा रेफरेंस दोगे, वहां पे मुझे पूरी तरह से आप लोग पे यकीन है। ए सब लोग बोलो ना रे, हाँ कुछ लोगों को ही जवाब देना, ऐसा जरूरी है क्या? हाँ वेरी गुड। तो अब टीचिंग फील्ड में तो आपको पता है संकल्प सर है तो ही विल डू गुड एंड हम उनको रेकमेंड करेंगे, बट अभी मैं कार मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा हूं, क्या कार जो मैंने मैन्युफैक्चर की आप लोग मेरी कार खरीदेंगे क्या? सच्ची अच्छी बोलो, क्या आप लोग मेरी परचेज आई मीन मेरी मैन्युफैक्चर की भी कार परचेज करेंगे क्या? बोलो बोलो, चल चल सच्ची अच्छी बोलना, एकदम बुरा लगे तो लगे बट जो है दिल की बात बोलना। कॉस्ट ड्राइव और क्वालिटी दोनों देखना पड़ेगा, बट ये चीज जब मैंने बोला फाउंडेशन अकाउंट पढ़ाऊंगा तो नहीं बोले तुम, तो तुम लोग ने ये देखो नानी सांचा तो सीधा मुंह पे बोल दिया सर डाउटफुल है, राधिका भी देखो कितना इंसल्ट कर रही है, बोल रही है सर हम आपका मैन्युफैक्चर किया हुआ कार तो शायद ही लेंगे। ठीक है देख रहा हूं मैं तुम लोग को, बस यही तुम्हारी दोस्ती यही तुम्हारा प्यार, अपने बीच में आ गई ये कार की दीवार। तो डेफिनेटली यू मे से दैट सर हम तो आपकी बनाई हुई SK कार्स, ये देखो SK कार्स ऐसी कुछ होगी, डेफिनेटली नहीं लेंगे, डेफिनेटली नहीं लेंगे। बट अब अगर मैं बोलता हूं ये देखो ये मेरी कार है, ठीक है ये मेरी कार है और इस कार के ऊपर मैं डाल देता हूं फरारी का लोगो, इस कार के ऊपर मैं डाल देता हूं फरारी का लोगो, अब मुझे बताओ अब ये कार तुम लोग लोगे या नहीं लोगे?
बोलो बोलो, टेल टेल। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया फरारी, अब कार लोगे कि नहीं लोगे? अब डेफिनेटली लेंगे सर, क्योंकि फरारी है सर, अब तो नाम बड़ा है और अपने को टेंशन ही नहीं है, ब्रांड है फरारी से अच्छा और क्या ब्रांड हो सकता है, अब आप लोगे। और आपको पता है क्या, मैं है ना, मुझे मुझे पता था एसके कार्स कोई नहीं लेगा, पर जब मैं इसको ब्रांड कर दूंगा ना फरारी कार, तो आप लोग ले लोगे और मैं आपके बजट में ले आऊंगा इसको। मैं बोलता हूं 10 लाख में फरारी कार मैं देना चालू कर रहा हूं। यस, अब आप लोग सब लोग लेना चालू कर दोगे, है कि नहीं? फरारी का ब्रांड कम प्राइस में और क्या चाहिए। बट मैं क्या कर रहा हूं बताए क्या, मैं फरारी कंपनी को रॉयल्टी पे कर रहा हूं, मैं फरारी कंपनी को रॉयल्टी पे कर रहा हूं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। मैंने उनको बोला कि सुनो फरारी वालों, ये जो कार हम लोग बना रहे हैं ना, ये कार पे हम बनाएंगे कार, आप खाली आपका लोगो दे दो हमारे को, आप खाली आपका लोगो दे दो। तो वो एक लोगो का मैंने उनको बोला 1 लाख रुपया मैं दूंगा, एक लोगो का, चलो उनको मैंने बोला 50,000 रुपया दूंगा, एक लोगों का 50,000 रुपया दूंगा। सो यहाँ पे जो फरारी का लोगो है, ये फरारी के लोगों के लिए मैं कितना दे रहा हूं उसको, 50,000 रुपया रॉयल्टी दे रहा हूं, ठीक है? तो अगर मैंने एक कार बनाया तो एक कार का 50,000 रुपया रॉयल्टी दे रहा हूं मैं वो लोगों का। समझो मैंने 5 कार बनाया तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, बोलो 5 कार बनाया तो कितना पे करना पड़ेगा, बोलो बोलो टेल टेल। थैंक यू गौरव, बोलो। अगर मैंने यहाँ पे फरारी को एक कार के लिए 50,000 रुपया दिया रॉयल्टी, तो अगर मैं 5 कार बना रहा हूं तो मेरे को रॉयल्टी कितना देना पड़ेगा फरारी को? कैन आई से 2,50,000? 2,50,000, क्योंकि एक गाड़ी का रॉयल्टी, एक गाड़ी का ही नहीं ना, अलग जितनी कार्स बनाऊंगा उतने का मेरे को रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन देना पड़ेगा। सो 2,50,000, अभी अंडरस्टैंडिंग। समझो मैंने 20 कार्स बनाई तो कितना देना पड़ेगा, 20 कार्स बनाई तो कितना देना पड़ेगा, बोलो बोलो चल चल। 20 कार्स बनाई तो कितना देना पड़ेगा? सो कैन आई से 50,000 × 20, 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? वन कार लोगो ऑफ फरारी ₹50,000, 5 लोगोस 2,50,000, 100 लोगोस उतना। सो क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? करेक्ट सर, ये हो जाता है एक डायरेक्ट कॉस्ट, ये हो जाता है एक डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है? देखो मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, फील द रॉ मटेरियल इन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, आइडेंटिफाइबल, ये यूज होता है प्रोडक्शन में, कंज्यूम होता है डायरेक्टली, चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। सो वुड इन अ वुडन चेयर, कॉटन इन अ शर्ट, ये सब यूज हो रहा है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, यूज इन प्रोडक्शन। क्या ये यूज इन प्रोडक्शन है क्या? इट इज नॉट यूज इन प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटीरियल नो, नॉट यूज इन प्रोडक्शन। डायरेक्ट लेबर तो इंसान होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? करेक्ट, देयर फॉर इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ए समझ, बट सर फेरारी के लोगों को तो टच और फील कर सकते हैं, अग्रीड, बट बेसिकली टच और फील के साथ इट शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो चाहिए तो यहां पे मैं लिख देता हूं यूज्ड इन प्रोडक्शन होना चाहिए, ये ले, ये ले, और एक पॉइंट लिख दिया, शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। चलो भाई, तुम्हारे एक डाउट से और एक पॉइंट यहां पे अपन ने ऐड कर दिया। अब ठीक है, अब ठीक है प्रशस्त, चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी, इधर तक सबको सब समझ में आया है? हाँ
बट सर रॉयल्टी तो इनटेंजिबल है ना। हाँ तो क्या, मैंने कहा बोला कि डायरेक्ट कॉस्ट टेंजिबल इनटेंजिबल होना चाहिए। हाँ इनटेंजिबल है तो क्या, ऐसा क्या लिखा डायरेक्ट कॉस्ट टेंजिबल या इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटेंजिबल, कुछ भी हो उसे क्या फर्क पड़ता है। क्या वो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा है? यस इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। टेंजिबल इनटेंजिबल लिखा है वर्ड नहीं, डायरेक्ट मटीरियल टेंजिबल आइडेंटिफाई मतलब टेंजिबल होना चाहिए। क्या वो टेंजिबल है क्या? नहीं, तो वैसे भी बाहर हो गया। शुड बी यूज इन द प्रोडक्ट, नहीं यूज हुआ तो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, बच्चा क्या समझ गुड गाइस। डन 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 डन। डन गाइस, क्या इधर तक सब एकदम दिमाग में बैठा हुआ है कि अब मैं और करवाऊंगा तो वो आपके ओवरहेड्स चले जाएगा, ओवरहेड्स चले जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ ओवरहेड्स जाए। इधर तक सब क्लियर है गाइस? और एक एक चीज लॉजिकली समझ रहे हो अंदर घुस घुस के? ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस तो सीधा ऊपर से ले जा सकते थे, अपन ने एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड किया है, एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ समझा है। आई होप ये तरीका समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हेवी लगेगा बट एज आई टोल्ड यू कि मंजिल अगर अच्छी चाहिए तो रास्ते को थोड़ा कठिन बनाते हैं। ओके इट्स टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। यस ये आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा नोट्स एंड आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यस चलो टेक केयर गाइस, कीप स्माइलिंग, सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। दो तीन लेक्चर है फिर देखना, होमवर्क मिलना चालू होगा ना तब मजा आएगा। अभी मजे कर लो, चलो बाय बाय। ओके सेम यार शुभम, ठीक है। एंड कहीं पे भी बाय या बाय यशस्वी। ए भाई ये किधर है, सुयश किधर है, यशस्वी वाई इज ही नॉट रिप्लाई।